इट्स अ पार्ट सिक्स मीन्स इट्स अ पार्ट सेशन सिक्स्थ सेशन एज फार एज द माइज़म इज कंसर्न बिकॉज द माइज़म इज अ बिग चैप्टर इट्स वी कैन एक्सप्लेन और नो वन कैन एक्सप्लेन इन अ 1 or 2 hours बिकॉज इट रिक्वायर्स द डीपर अंडरस्टैंडिंग राइट सो इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली सो यू कैन प्रैक्टिकली अप्लाई इट इन योर केसेस राइट सो आफ्टर कंप्लीटिंग द सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस वही आई हैव गिवन यू द असाइनमेंट राइट टू सी द ग्रुप मेंबर्स हाउ दे अंडरस्टूड द थिंग्स हाउ दे अप्लाई सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द माइज़म राइट बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम दिस इज हैपन फॉर एवरी एवरी पर्सन मोस्ट ऑफ टाइम वही लर्न द थिंग्स पार्शियली वही लर्न द थिंग पार्शियली बट वही इन अ डिल्यूजन दैट वही नो द थिंग्स एंड वही ट्राई टू अप्लाई इन द केसेस एंड वेन केसेस फेल्ड देन वही कम टू द कंक्लूजन दैट कि देर इज अ प्रॉब्लम इन द अप्रोच और प्रॉब्लम इन द होम्योपैथी सो एक्चुअल द थिंग इज दैट होम्योपैथी नेवर फेल्स और इफ यू अप्रोच द केस साइंटिफिकली एंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय डॉक्टर सैमुअल हनीमन एज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन देन द केस विल नेवर फेल्ड बट द वे वी अप्लाई द वे वी अंडरस्टैंड द थिंग्स मे बी फॉल्टी सो इफ वी आर फॉलिंग शॉर्ट इफ वी आर फॉलिंग शॉर्ट दैट मीन्स वी नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज एट दिस स्टेज ऑल्सो आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस देर आर द लॉट ऑफ केसेस फॉर एग्जाम्पल एक पीसीओडी का केसेस पीसीओडी का केस लो नॉट वी कैन नॉट even at this point moment that every case of PCOD I can solve. There are the difficulties that still I am facing or we are facing. That means we are need to sharpen our instrument. We need to learn a lot of things. Because the fault is not in the homeopathic approach. The fault is not in the homeopathy. The fault is our. That we have to accept first. If we accept that the learning, we need a lot of learning, then and only then we can able to learn the new things. Because as the Dr. Samuel Hahnemann and even the Praful Vijayakar sirs mention in their books and mention even in the their sessions, SCPH, SCPH plus, कि दिस होम्योपैथी इज नॉट जस्ट फॉर ट्रीटिंग द कोराइजा एंड कफ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होम्योपैथी इज नॉट जस्ट टू ट्रीट द कोराइजा एंड कफ एंड डायरिया एंड ऑल दिस थिंग होम्योपैथी इज टू ट्रीट द सीवियर पैथोलॉजिकल इरिवर्सिबल डिसीजेस Because homeopathy has the power to treat, to cure such a kind of cases, which is not in the other pathy or in not in the allopathic mode of treatment. Right? Only thing is that we have to understand their principles. We have to understand the proper approach. If we try to make the case or try to approach in a short way, shortcut way, क्योंकि हम देखते हैं कि बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू टेक द एफर्ट्स
तो हम शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पढ़ाई करने का ये आता है, जैसे अगर प्रेडिक्टिव वे से अगर देखा जाए कोई सोरियसिस का केस है या कोई ऑटो इम्यूनो डिसीज का केस है या कोई भी केस आता है, जॉइंट पेन का केस आता है, तो हमको इवेल्युएट करना पड़ता है। केस तो लेना ही पड़ता है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा केस तो लेना ही पड़ता है। पर केस लेने के बाद एग्जामिनेशन, देन डिसीज डायग्नोसिस। अभी डिसीज डायग्नोसिस इसमें इन्वेस्टिगेशन हमको समझ में आना चाहिए कि जॉइंट पेन है तो कौन से इन्वेस्टिगेशन मस्ट वी नीड टू एडवाइस टू द पेशेंट। देन एग्जामिनेशन हमको समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनेशन जॉइंट अफेक्ट है तो कैसे एग्जामिन करना, ट्यूमर है तो कैसे एग्जामिन करना, अल्सर है तो कैसे एग्जामिन करना। देन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मायजम वी नीड टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल दैट कंडीशन, कि इसमें पैथोलॉजी, तो फिर हमको पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का बुक लेके बैठना पड़ेगा, पैथोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, मेडिसिन की बुक पढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू ट्रीट द केस वी हैव टू टेक द एफर्ट्स प्राइमरीली और बेसिकली इन द इनिशियल डेज ऑफ आवर प्रैक्टिस। इफ वी टेक द एफर्ट सिंसियरली देन द टाइम कंज्यूम फॉर ट्रीटिंग द ईच एंड एवरी केस विल रिड्यूस डे बाय डे और मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि मैं अगर 10 साल पहले जो केस लेता था, जब मैं एमएल धवले में फर्स्ट टाइम केस लिया तो 2 घंटा लगा मुझे, जो कंसल्टेंट थे वो भी खुश हो गए, पर 2 घंटा केस लिया काफी, इन्फॉर्मेशन तो काफी है। पर हम जब प्रैक्टिस करते हैं, एज इट इज सेड दैट द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हम जब प्रैक्टिस करते हैं, हम नई चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंफ्लिक्ट थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, वी हैव टू कोरिलेट, मेटाफिजिकल कोरिलेशन करते हैं, तो हमारा केस शॉर्ट हो जाता है। तो हम अभी केस लेते हैं तो हो सकता है कि कोई 30 मिनट्स में ले ले, कोई अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होने के बाद 1 घंटे में ले, और कुछ जो हमारे स्पेशल जो पायनियर्स है या होम्योपैथिक स्पेशल ये सीनियर्स है, सीनियर डॉक्टर्स है, समटाइम्स दे सिलेक्ट द रेमेडी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज ये ऐसा नहीं कि उनके पास कोई ट्रिक है, बिकॉज दे यूज द लॉट ऑफ टाइम ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑन द पेशेंट। मतलब अभी अगर वो 15 मिनट में मेडिसिन निकाल रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने दो दो तीन तीन घंटे उस पर स्पेंड किए इन द पास्ट। दैट्स वाई दे आर नाउ इन द पोजिशन कि वो क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली माइंड चलने लगता है ना। अभी हम शुरुआत में क्या होता था कि हमारा एससीआर था एमएल धवले में, तो पूरा एससीआर भरना पड़ता था, और एससीआर को सॉल्व करने के लिए 4 घंटा लगता था कम से कम। पर अगर हम वही चीज 2 3 साल से कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जो 6 घंटा था उसमें रिड्यूस 4 घंटे 4 घंटे में होगा, फिर 2 घंटे में और 1 1 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। सो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो ऐसा नहीं है कि हम अगर डिसीज समझ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि भाई ये काफी लंबा है तो ये बराबर नहीं। दिस इज द साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड द पर्सन। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, व्हाई वी आर लैकिंग, वेयर वी आर लैकिंग एज अ होम्योपैथ, वी आर लैकिंग इन द क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट, वी आर लैकिंग इन द पैथोफिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट, वी आर लैकिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट इफ वी कंपेयर टू द एलोपैथिक फिजिशियन और डॉक्टर्स। बराबर है, फॉर एवरी ट्रिपल केसेस, बराबर है कि नहीं, प्रोट्रूजन आया है, ट्यूमर है, अल्सर है, वी नीड अ हेल्प ऑफ द एलोपैथिक डॉक्टर्स। बराबर है कि नहीं, इफ देर इज इंग्वाइनल रीजन में प्रोट्रूजन है, तो हमको अगर सर्जन के पास आप भेज रहे हैं इन ऑर्डर टू सी कि आपको अगर ये नहीं समझ रहा है कि दिस इज द हर्निया हो सकता है, और हर्निया है तो उसको कंफर्म करने के लिए विच एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये आपको समझना जरूरी है। और अगर ये भी नहीं समझ पा रहा है तो देन देर इज अ
lot of lacking in our practice. We have to learn lot of things, right? So lot of people's, I think every people's did the well, the job of doing the assignment. They tried to solve their best to classify the mental rubrics and the clinical condition into the MISM. Whatever, and if you are lacking in some conditions, but most of the people's few people's explain why they are diagnosing this condition into the psychosis, into the syphilis or psychosyphilis. This explanation and reasoning is very important. क्योंकि हमको अगर लगता है कि भाई ये साइकोसिस है तो ये लगना दैट इज नॉट साइंटिफिक थिंकिंग. यू मस्ट हैव द प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग. सो योर वे ऑफ थिंकिंग, मैनर ऑफ थिंकिंग मस्ट बी इन दैट वे, सो दैट अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है, अगर जिसने भी ये 5 सेशन किए हैं और कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उनको डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए. 98% नहीं आएंगी. यू कैन क्लासिफाई द डिसीज. और कभी भी ध्यान में रखिए कि कोई भी डिसीज को स्टैम्प मत मारिए कि डायबिटीज है तो ये साइकोसिस है. बराबर रहेंगे नहीं. सोरियासिस है तो ये साइकोसिफिलिटी ही है. कोई भी डिसीज को फुल्ली स्टैम्प मत मारिए बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइन पैथोफिजियोलॉजी एट दैट टाइम. इफ इट इज द अपेंडिसाइटिस, दैट डजेंट मीन्स द अपेंडिसाइटिस इज ऑलवेज अ सोरी की नेचर. दो इट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन इफ द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इज फास्ट. अगर उसका इनहेरेंट कैरेक्टर, इनहेरेंट ट्रेंट अगर साइकोसिफिलिटिक के तरफ जा रहा है तो दैट इन्फ्लामेशन इजिली टर्न्स इंटू द अल्सरेशन, इजिली टर्न्स इंटू द अब्सेस फॉर्मेशन, इजिली टर्न्स इंटू द परफोरेशन, मे कॉज द पेरिटोनाइटिस विच इज थ्रेटन टू द लाइफ. दैट मीन्स एक अपेंडिसाइटिस है जो सोरा में भी आ रहा है, साइकोसिस में भी आ रहा है, सोरा टू सिफिलिस में भी आ रहा है, सिफिलिस फ्रैंक सिफिलिस में भी आ रहा है. सो डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइन पैथोफिजियोलॉजी वी डायग्नोज द माइजम, वी डू द डायग्नोस्टिक माइजमेटिक डायग्नोसिस डिपेंडिंग ऑन द. अभी ये भी समझना जरूरी है, नॉट एवरी टाइम्स द इन्वेस्टिगेशन इज इम्पॉर्टेंट और टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन. एवरी टाइम द पेशेंट्स प्रेजेंटेशन एंड योर एग्जामिनेशन फाइंडिंग समटाइम्स सजेस्ट द पैथोलॉजी, वेदर ही इज इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ पैथोलॉजी और गोइंग इन टू द सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेज ऑफ पैथोलॉजी. राइट. सो अपेंडिसाइटिस है तो इन्फ्लामेटरी अपेंडिसाइटिस है, कटारल अपेंडिसाइटिस है कि ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस है. यू शुड बी अंडरस्टैंड, यू शुड नो दैट थिंग्स बाय एग्जामिनेशन एंड बाय द प्रॉपर हिस्ट्री. बराबर है. इफ द पेशेंट गोज इन टू द अब्सेस, बराबर है, अब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, सो यू शुड नो द उसमें टैकीकार्डिया आएगा, हाई फीवर आएगा. बराबर है. जो पेशेंट पहले रेस्टलेस था अभी वो कंडीशन नहीं रहेंगी, गाइडिंग मिलेगा. देन एज द पैथोलॉजी प्रोग्रेस रिजिडिटी मिल सकती है. अगेन द रिजिडिटी, वॉलंटरी रिजिडिटी, इनवॉलंटरी, आपको गाइडिंग और रिजिडिटी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए हमको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एज द डॉक्टर. इट इज नॉट कि होम्योपैथी को ये जरूरी नहीं है करते, ये हमको हमारा इंस्ट्रूमेंट पूरा यूज करना है, हमको हमारा एग्जामिनेशन टेबल यूज करना है, हमको हमारा, अगर पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ द थ्रोट पेन, हमको हमारा टॉर्च यूज करना है टू सी वेदर फेरिंग्स इज इन्वॉल्व, टॉन्सिल्स इज इन्वॉल्व. इफ द टॉन्सिल इज इन्वॉल्व सो इट इज जस्ट इन्फ्लामेशन कंजेशन और इट इज अ अल्सरेशन और इट इज अ टॉन्सिलर अब्सेस और एनीथिंग एल्स. बराबर है कि नहीं. सो देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेसेस आर देयर. कुछ इलनेसेस रहते हैं माइल्ड इलनेस, ट्रिवियल इलनेस बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेसेस आर देयर. ट्रिवियल इलनेसेस, वी कैन से द ट्रिवियल इलनेसेस वेयर द किसी को होता है ना, इंडाइजेशन हो जाता है, माइल्ड हेडेक हो जाता है, बॉडी पेन हो जाता है थोड़ा सा,
इट माइट बी ड्यू टू द नींद नहीं होती है, कुछ खाने में आता है, कुछ ओवर ईटिंग करता है. सच इट काइंड ऑफ इलनेसेस आर कॉल्ड एज द इनडिस्पोजिशन, वेयर द एक्चुअल ट्रीटमेंट इज नॉट नीडेड. स्लाइट चेंज इन देयर डाइट, स्लाइट चेंज इन देयर लाइफ स्टाइल, और इफ द पेशेंट टेकिंग द रेस्ट दैट कम्स टू द हेल्थ दैट डजेंट रिक्वायर्स द ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ टाइम, नॉट एवरी टाइम. देन देर इज अ इलनेसेस वेयर देर इज अ मोर सीवियर इलनेस, वी कैन से मोर सीवियर इलनेस, लाइक एक्जिमा है, नहीं सॉरी, लाइक इन्फेक्शन हो गए हैं, डायरिया, सीवियर डायरिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया है ना, तो मोर सीवियर इलनेस, ब्रोंकियल अस्थमा. हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेशेंट एंड गिव द ट्रीटमेंट. सिंपल डायट्रिक रीजन में डाइट चेंज करने से इसमें हमको पेशेंट ठीक नहीं होगा, यहाँ पे हमको डॉक्टर, मतलब पेशेंट को डॉक्टर की हेल्प लेना ही पड़ेगा. सम इलनेसेस आर वेरी क्रोनिक इन नेचर, दे रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बराबर है, दे रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक अ डायबिटीज हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, राइट, दे डोंट गो इजीली, बराबर है कि नहीं. दैट मीन्स एवरी इलनेस स्टार्ट विद द ट्रिवियल इलनेस माइंडली एंड देन गोज टू क्रोनिक इलनेसेस, राइट. एवरी इलनेसेस स्टार्ट विद द ट्रिवियल इलनेसेस एंड देस गो इन टू द सीवियर इलनेस और क्रोनिक इलनेस. अगेन इलनेसेस आर इफ यू सी फिजियोलॉजिकल इलनेसेस एंड पैथोलॉजिकल इलनेसेस. इलनेसेस वी कैन कैटेगराइज बिकॉज वेन वी कैटेगराइज सी देन वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द अप्रोच. हम क्यों इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अप्रोच चेंज होता है. इफ यू आर डीलिंग विद द फिजियोलॉजिकल इलनेसेस वेयर देर इज अ फंक्शनल चेंज इज देयर, प्योरली फिजियोलॉजिकल, प्योरली फंक्शनल, लाइक एपीडी, लाइक अ साइन, लाइक अ राइनाइटिस, बराबर है कि नहीं. हियर द कॉज इज इंपॉर्टेंट, मेंटल कॉज, फिजिकल कॉज एंड अदर सिम्टम्स आर इंपॉर्टेंट. हियर द पेशेंट विल कम टू द हेल्थ वेरी इजीली. यू डोंट नीड टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू डोंट नीड टू टेक द लॉट ऑफ एफर्ट्स टू सॉल्व द सच टाइप ऑफ केसेस. दैट इज फिजियोलॉजी वेयर द रिकरेंस होता है, एक्यूटनेस इज देयर, लॉट ऑफ डायनामाइजेशन इज देयर इन सच ए केसेस. मीन्स यू गेट द लॉट ऑफ सिम्टम्स टू प्रिस्क्राइब, बराबर है कि नहीं. सो दिस टाइप ऑफ केसेस आर मोस्टली सोरिक, प्योरली सोरिक और सोरासिफिलिटिक, राइट. और देयर कुड बी अ फिजियोलॉजी से लेकर जब स्ट्रक्चरल चेंज आने लगता है, जैसे सिफिलिटिक में भी जाता है, तो सोरासिफिलिटिक भी केसेस हो सकते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ इलनेसेस आर द फिजियोपैथोलॉजिकल, दैट मीन्स फिजियोलॉजी स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी एंड देन गोस टुवर्ड्स द पैथोलॉजिकल चेंजेस. मीन्स देर आर द लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल चेंजेस स्टिल देयर विद द पैथोलॉजिकल चेंजेस. तो दिस टाइप ऑफ इलनेस इज कॉल्ड एज द फिजियोपैथोलॉजिकल इलनेस. फॉर एग्जाम्पल, रिकरेंट एंड रिलैप्सिंग हेड एक इन द माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर्स, अर्टिकेरिया, ब्रोंकाइटिस, बराबर है. स्टार्ट विद द फंक्शनल, दैट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड देर इज देन पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑकर, लाइक एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ क्रोनिक डिसीजेस एज सच इन द ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस. दीज आर मोस्टली एक्यूट टू क्रोनिक जा रहा है केस. हियर इमोशंस आर लेस इंपॉर्टेंट, बट हाँ, सो हियर द मेंटल्स एंड द इमोशंस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे फिजियोलॉजी है. जहां पे भी फिजियोलॉजी है वहां पे कॉज, फिजियोलॉजी एक्टिव है, ये लिख लीजिए, वहां पे कॉज आप कंसिडर कर सकते हैं और इमोशंस को भी आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं. इमोशंस हमने देखे कि देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेंटल सिम्टम्स, लाइक विल, इंटेलेक्ट, मोरल्स एंड देन इमोशंस. इमोशंस कम्स एट द बॉटम. इवन डॉक्टर केंट हैज डिस्क्राइब इन देयर फिलोसॉफी, केंट फिलोसॉफी, कि विल इज द हायर सिम्टम्स एज फार एज द माइंड इज कंसर्न, देन इंटेलेक्ट,
देन थिंक ऑफ मोरल्स एंड देन एट द लास्ट इमोशन. इमोशनल सिम्टम्स लाइक एंग्जाइटी फियर आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी केसेस. यू कैन कंसिडर दिस इमोशंस वेन द फिजियोलॉजी इज देयर. एक्टिव फिजियोलॉजी में तो है, पर फिजियोपैथोलॉजिकल जो केसेस है उसमें भी आप ये मेंटल सिम्टम्स रिलेटेड टू इमोशंस को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं या देना चाहिए, क्योंकि इसको इम्पोर्टेंस देंगे और प्रिस्क्राइब करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे. बट द थर्ड टाइप ऑफ केसेस कॉल्ड एज प्योरली पैथोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल केसेस वेयर देर इज अ स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑकर और स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड देर इज अ लेस एंड लेस फिजियोलॉजी इज इन्वॉल्व. दैट इज कॉल्ड साइकोटिक केसेस वेयर देर इज अ लूजनेस, रिलैक्सेशन, डायलेटेशन, क्रोनिसिटी. यू कैन सी द इमोशंस एंड मेंटल्स आर लेस इंपॉर्टेंट. इन सच ए केसेस वेयर देर इज अ पैथोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस इज देयर, इमोशंस आर लेस इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू एड्रेस द टिश्यू एंड सेल. हियर द इनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट. इनेट कैरेक्टरिस्टिक द सेंसिटिविटी सिम्टम्स रिलेटेड टू विल, सिम्टम्स रिलेटेड टू इंटेलेक्ट, सिम्टम्स रिलेटेड टू मोटल्स मोरल्स आर मोर इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इन ऑर्डर टू फॉर्म द माइजमेटिक और टोटैलिटी. दिस इन पिन पैथोलॉजिकल केसेस और इलनेसेस एक तो साइकोटिक आता है या साइकोसिफिलिटिक केसेस आते हैं इसमें, राइट? साइकोटिक केसेस और साइकोसिफिलिटिक केसेस. अभी फोर्थ टाइप ऑफ इलनेस है टू ग्रो और रीग्रो द डिस्ट्रॉयड ऑर्गन और टिश्यू. ऑर्गन और टिश्यू को जो डिस्ट्रॉयड हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, उसको ग्रो करना है. दिस इज फ्रैंक सिफिलिस. आई हैव शोन यू द प्रेजेंटेड द केस ऑफ गैंग्रीन. आई हैव प्रेजेंटेड द केस ऑफ गैंग्रीन. देर वॉज अ केस इन द यूट्यूब वेयर द फिंगर्स विच इज गेट गैंग्रीनस डिस्ट्रॉय एंड द सर्जन एडवाइज. तीन सर्जन का ओपिनियन लिया, सर्जन एडवाइज द एम्पुटेशन ऑफ होल फिंगर, एम्पुटेशन ऑफ द होल फिंगर, बराबर है ये नहीं. एंड विद द होम्योपैथिक मेडिसिन, राइट होम्योपैथिक मेडिसिन, द सेल एंड टिश्यू रीजनरेट एंड द फिंगर्स रीअपियर, टर्मिनल फैलेंजेस रीअपियर. सो दिस इज द फ्रैंक सिफिलिस केस. इसमें कैसे अप्रोच करना, दिस इज अंडर द टू ग्रो और रीग्रो द डिस्ट्रॉयड ऑर्गन और टिश्यू. दिस इज द पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल. आई हैव ऑल्सो सीन द केस विच वॉज ट्रीटेड बाय टीचर डॉक्टर जीटे बहू, हु इज नॉट हियर. ही ट्रीटेड वन केस वेर देर वॉज अ सीवियर नेक्रोसिस ऑफ द स्क्रोटम, नेक्रोस एंड गैंग्रीन ऑफ द स्क्रोटम, वेयर देर वॉज अ दैट अब्सेस एंड गैंग्रीनस कंडीशन इवन स्प्रेड टू द पेल्विक कैविटी एंड द पेशेंट हैड द लॉट ऑफ सीवियर ऑफेंसिव स्मेल, सीवियर ऑफेंसिव. इवन मेडिकल कॉलेज, जो नागपुर के मेडिकल कॉलेज है, दो मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने पेशेंट को एडमिट करने में ही रिफ्यूज किया कि ये पेशेंट अभी हाथ नहीं लगने वाला, ये कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब घर भेज दिया उनको. तो एट दैट टाइम इवन आई हैव सीन दैट टाइम द केस एंड इवन आई वाज होपलेस कि ये कुछ इससे होम्योपैथी से कुछ होने वाला है. तो मैं तो देख के पेशेंट को वापस आ गया. तो हमारे जो बहू थे, जीटे बहू बोलते हैं उनको, जो डायरेक्टर थे अंदर कॉलेज के, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने मेडिसिन दिया. मुझे पता ही नहीं था, जब पेशेंट को मैंने 15 दिन बाद देखा, इट्स आफ्टर 2 वीक्स दैट पेशेंट वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आईपीडी, बराबर है. तो जो पेशेंट को मैंने 15 दिन बाद देखा तो उसका जो स्क्रोटम है पूरा रीजनरेट हो गया था. उसका जो स्क्रोटम है, सो इट वाज हाईली सरप्राइजिंग. मतलब वो केस को मैंने कॉलेज के पास ही, पेशेंट का घर था तो मुझे बुलाया गया कि देखो करके. तो मैंने देखा तो मुझे तो कुछ होप ही नहीं था
और जो हिस्ट्री, और जो एकदम से जब रूम में एंट्री किया तो ऑफेंसिव स्मेल, और जब कपड़ा बाजू में किया तो पूरा ब्लैक ब्लैक पोर्शन, दैट इज गैंग्रीनस। पर जब वो बहू को अप्रोच किए और उन्होंने एडमिट किए और मेडिसिन दिए, बराबर है, तो ऑर्गन रिजनरेट, एंड दैट पेशेंट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अभी तो नहीं है पर पूरा पूरी तरीके से थी। सो अब मैं क्यों बता रहा हूं कि द पेज होम्योपैथी हैज द पावर, मतलब मैं वहां पे फेल हो गया या मैंने उसको अप्रोच नहीं किया, मैंने समझा कि ये नहीं होगा तो इट्स माय फॉल्ट। दैट डजंट मीन्स कि बा होम्योपैथी इसमें काम नहीं करती, उन्होंने मेडिसिन दिया और ऑर्गन रीजनरेट हुआ, रीग्रो हुआ, दिस इज द स्टेम सेल्स, बराबर है कि नहीं? तो होम्योपैथी हैज द पावर, द अप्रोच एंड द रेमेडी मस्ट बी राइट। नाउ टू सॉल्व सच अ टाइप ऑफ केसेस लाइक अ जुवेनाइल यूटेरस और वीएसडी एएसडी, नेक्रोसिस ऑफ बोन, गैंग्रीन, वी हैव टू एक्टिवेट द स्टेम सेल्स। अभी स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करना है तो कैसे जाना? हियर ऑल्सो द फिजियोलॉजिकल सिम्टम एंड इमोशनल सिम्टम्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अभी आप अगर ये केसेस में फियर लोगे, एंग्जाइटी लोगे, तो मेडिसिन बिल्कुल काम नहीं करेगी। वी हैव टू टेक द इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स, सिम्टम्स रिलेटेड टू विल, सिम्टम्स रिलेटेड टू मोरल्स, द स्पीड ऑफ द डिसीज, द पेशेंट एंड द इनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन एंड द स्टेट ऑफ द स्टेट, मेंटल स्टेट, वी कैन से द मेंटल स्टेट, राइट? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई देर इज अ हायरार्की इन कंसिडरिंग द मेंटल सिम्टम्स, एंड देर आर ऑल्सो द हायरार्की इन कंसिडरिंग द सिफिलिटिक सिम्टम्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सिफिलिस, बराबर है? दो देर इज अ सिफिलिस, देर आर द टाइप्स ऑफ सिफिलिस, मतलब जहां पे जून म्यूटेशन हो रहा है सबसे हाईएस्ट, आउट इम्यूनिटी हाईएस्ट, हिस्टोरिकली द हाईएस्ट। आई थिंक यू शुड नो द टाइप्स ऑफ सिफिलिस। हाँ ये है टाइप्स ऑफ सिफिलिस। एग्जैगरेशन, जहां पे इंटेंसिटी बहुत है, एग्जैगरेटेड सिम्टम है, तो ये सोरा सिफिलिटिक हो गया। जहां पे शेप एंड शेप चेंज हो गया, डिस्टोर्शन हो गया, बाउंड्रीज चेंज हो गई है, डिस्टोर्टेड बाउंड्री, तो यहाँ पे साइकोसिस भी आ रहा है, तो साइकोसिफिलिटिक। जहां पे ग्रोथ भी दिख रहा है, सिफिलिस भी दिख रहा है, साइकोसिस एंड सिफिलिस बोथ आर देयर। परवर्टेड परवर्जन, वेदर एट द सेक्सुअल लेवल, एट द मेंटल लेवल, इट्स अ फैंग सिफिलिस में आएगा। रिएक्शन आउट ऑफ प्रपोर्शन, दैट इज द कॉल्ड एज द हिस्टेरिकल, इट अगेंस्ट कम्स अंडर द फ्रैंक सिफिलिस, आउट इम्यूनिटी फ्रैंक सिफिलिस, जीनेटिक म्यूटेशन फ्रैंक सिफिलिस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द विच सिम्टम्स इज मोर इंपॉर्टेंट, इवन इफ इट इज द सिफिलिटिक और साइकोसिफिलिटिक, राइट? और अप्रोच में ये भी बताया था, एक्यूट केस में क्या इंपॉर्टेंट, साइकोसिस में क्या, सिफिलिस में क्या। नाउ कम टू द अपना असाइनमेंट, वे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट सो दैट यू कैन नो द स्कैबीज, where you can see the red papular eruption with intense itching. This is a chronic condition. It is not an acute condition. It is not an acute inflammation. It is a chronic inflammation where there is a lot of itching is there and redness is there. So here the psoriasis and psychosis both involved. It is not just psoriasis. Some people mention the psoriasis. Some people mention the psychosis. Redness is there. Sensitivity is there. Itching is there, so psoriasis both is involved here. Tinea, which is chronic condition with there is a peripheral redness and induration is there, this is purely psychosis. Because redness jitna dikh raha hai utna rehta nahi hai, indurations jyada rehta hai isme. To psychosis jyada rahega isme. Barabar hai. Again the ek condition psoriasis, most of the members or doctors consider the psoriasis as a frank syphilis because they are the autoimmune.
though it is autoimmuno and autoimmuno comes under the syphilis, we need to understand the current pathophysiology of the person. Though it is a chronic autoimmune inflammatory condition where there is a lot of scales is there, inflammatory patch is there, where the, you can see the excessive proliferation of basal epithelial cells. So when you see the scaling more scaling with right without there is a cracks and bleeding, so you can say psychosyphilitic. यहाँ पे साइकोसिस लिखा है, दैट मीन्स ये अगर रहा तो साइकोसिस को कंसिडर करो. मोर स्केलिंग है, स्केलिंग ज्यादा हो रहा है, जो व्हाइट स्केलिंग दिख रहा है ना, अगर स्केलिंग ज्यादा है बट अगर क्रैक्स है और ब्लीडिंग है तो उसको फ्रैंक सिफिलिस में कंसिडर करना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं? फ्रैंक सिफिलिस में कंसिडर करना पड़ेगा. अभी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, हमको ये पता है कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस इज द ट्यूमर ट्यूमर ऑफ नर्व सेल्स, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. बस ट्यूमर है, नर्व सेल है, मतलब साइकोसिस है, दिस डजंट मींस. लेयर कोई भी हो, अभी न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस एकदम हाई लेवल का है या सेवंथ लेयर का है, बराबर है, सेवंथ लेयर का डिसीज है. बट अगेन इंपॉर्टेंट इज द ट्यूमर विच इज वैरिंग इन साइज, विच कॉजेज द डिस्टोर्शन एंड डिसफिगरमेंट ऑफ द कंडीशन और पर्सन लुक. मैंने बोला था ना लुक में, सिफिलिटिक में जहां पे घिन आती है, देख के घिन आ रही है, तो दिस इज द सिफिलिटिक. तो इट इज अ साइकोसिफिलिटिक कंडीशन, इट इज नॉट अ प्योरली साइकोटिक कंडीशन, इट इज अ साइकोसिफिलिटिक कंडीशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज अ साइकोसिफिलिटिक कंडीशन, है ना? आप समझ रहे होंगे कि इसमें सिफिलिटिक क्या है ना? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विच इज ऑल्सो अगेन द ऑटोइम्यून डिसीज कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन विथ स्वेलिंग ऑफ ऑल जॉइंट्स. रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज कैरेक्टराइज बाय सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्मॉल जॉइंट एंड देन ग्रेजुअली इन्वॉल्व द लार्ज जॉइंट, है ना? पहले फिंगर्स में होगा, रिस्ट में होगा, एल्बो में होगा, शोल्डर, फिर देन नी, ग्रेजुअली. बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट एज द डिसीज प्रोग्रेस, मैंने देखा ऐसी एक केस है कि जो बेड रिडन है एकदम, और डिफॉर्मिटी ऐसी है कि बस ऐसे ही है, बराबर है कि नहीं? सो दे दो इफ इट इज द इन्फ्लेमेटरी पार्ट इज मोर, दैट मीन्स सोरा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पार्ट इज मोर, स्वेलिंग इज मोर, देन द साइकोसिस कंपोनेंट इज देयर. सो यू कैन से द डिसीज इज साइकोसिफिलिटिक, एंड इफ देर इज अ डिस्ट्रक्शन of the joint of the cartilage with there is a lot of deformity, then the patient is in the syphilitic state. तो सोरिक सोरिक नहीं रहेगा, साइकोसिस ही रहेगा, इवन दो देर इज इन्फ्लेमेशन. एक्यूट इन्फ्लेमेशन रहा तो सोरा को कंसिडर करना पड़ेगा, बट मोस्टली इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन विथ प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन. सो इन दैट वे वी कैन कंसिडर इट एज अ साइकोसिफिलिटिक. बट इफ देर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज एंड बोन विच इज देयर, सी इसमें होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज, यहाँ देखो डिस्ट्रक्शन है कार्टिलेज बोन्स, इरोजन, सीवियर डिस्ट्रक्शन, सीवियर इरोजन ऑफ बोन्स जॉइंट्स, तो ये फ्रैंक सिफिलिस में आएगा. बराबर जो कंडीशन, ऐसे नहीं कि सिम्टम्स पर से ही हम डायग्नोसिस कर पाएंगे मायसम को, वही नीड इन्वेस्टिगेशन, वी नीड एक्सरे टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ एंड डेप्थ ऑफ द पैथोलॉजी. ऑस्टियो आर्थराइटिस वेर देर इज अ डिस्ट्रक्शन और डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट, बराबर है कि नहीं? तो इट कम्स अंडर द सिफिलिस, ऑस्टियो ऑस्टियो आर्थराइटिस ओए. सो अगेन इसमें भी सिवियरिटी है, वो हमको एक्सरे से समझेगा. स्क्लेरोडर्मा, इट इज अ सिस्टेमिक डिसीज, इट इज ऑल्सो ऑटोइम्यूनो डिसीज. अभी ऑटोइम्यूनो बोला तो सिफिलिस आएगा, नो प्रॉब्लम, नो मैटर, बराबर है. बट इट इज कैरेक्टराइज बाई इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस, दैट इज द थिकनिंग. इट कैन बी लोकलाइज, इट कैन बी जनरलाइज. यू कैन सी द फाइब्रोसिस एंड थिकनिंग ओवर द स्किन, ओवर द लंग्स, ओवर द अदर ऑर्गन ऑल्सो. दे कॉज द इंजुरी एंड डैमेज टू द सेल्स.
एंड हियर द बॉडी मेक्स टू मच कोलेजिन लीडिंग टू स्क्लेरोडर्मा। एंड ये कोलेजिन ज्यादा होने के कारण हार्डनेस से सिम्टम्स आता है, हार्डनेस एंड टाइटनेस, राइट। तो इसमें सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा भी रहता है और लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा भी रहता है। सो दिस इज द, एंड अगर इंड्यूरेशन ज्यादा है, फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस इज अगेन देयर इज अ, जो सेल्स नॉर्मली हील होना चाहिए वो स्कार फॉर्म होता है, हीलिंग के वक्त स्कार फॉर्मेशन होता है, तो नॉन फंक्शनिंग होता है, उसका फंक्शन पूरा लॉस हो जाता है। सो इट इज अ सिफिलिटिक कंडीशन। विटिलिगो एज यू सी देयर इज अ, देयर आर टू, जब जो भी व्हाइट स्किन पे व्हाइट पैचेस दिखते हैं तो देयर आर द टू कंडीशन, हाइपोपिगमेंटेशन एंड डीपिगमेंटेशन एंड द हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन इज द एक्सेसिव पिगमेंट फॉर्मेशन, है ना, तो ये साइकोसिस में आएगा, साइकोसिस एक्सेस। पर वेयर देर इज अ हाइपोपिगमेंटेशन, जैसे पिटारियासिस अल्बा में होता है, सो दैट इज नॉट अ प्योरली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट, तो दैट कंडीशन इज डिफरेंट, दैट कम्स अंडर द साइकोसिस। बट द विटिलिगो, वेयर द विटिलिगो देर इज अ अब्सेंस ऑफ फंक्शनिंग मेलानोसाइट इन द लीजन, बराबर है, एंड देर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेलानोसाइट, सो इट इज अ फ्रैंक सिफिलिस विटिलिगो, इट इज अ फ्रैंक सिफिलिस। एंड सोरियासिस यू कैन सी लेयर, अगर देखेंगे तो कनेक्टिव कने डर्मिस, है ना, डर्मिस एंड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एक्जिमा वगैरह जो होता है उसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, पर सोरियासिस लाइकेन प्लैनस में डर्मिस इन्वॉल्व होता है। सो इट इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर, थर्ड लेयर। अल्सर, डिस्टॉर्टेड अल्सर, सी अल्सर हैविंग द गुड लुक बोलेंगे और इंडूरेटेड एजेस बोलेंगे, थिकन एज बोलेंगे, तो उसको जैसे नीचे दिया हुआ है अल्सर, इसको हम साइकोसिफिलिटिक में कंसिडर करेंगे। पर ये जो अल्सर है जहाँ पे डिस्टॉर्टेड अल्सर है ना, डिस्टॉर्शन इज द प्रेजेंटिंग फीचर्स विद द अल्सर, देन इट इज अ फ्रैंक सिफिलिस। क्रोनिक एक्जिमा, क्रोनिक इंफ्लेमेटरी चेंजेस, क्रोनिक एक्जिमा, हमको थोड़ा एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वी हैव टू रीड फ्रॉम द पैथोलॉजी बुक, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एक्यूट इन्फ्लेमेशन में एक्यूट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस क्या होते हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है। एक साइट है जहाँ पे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, उससे हमको समझेगा कि कैसे एक्यूट सोरा में आएंगे और क्रोनिक जो है जहाँ पे पेन नहीं हो रहा है, इनलार्जमेंट तो है, इनलार्ज टॉन्सिल है, स्वेलिंग इज देयर क्रोनिक, बट कंजेशन या इन्फ्लामेशन नहीं है या माइल्ड इन्फ्लामेशन, दिस इज द क्रोनिक कंडीशन एंड पेशेंट डजंट बॉदर और कॉज द मच डिस्ट्रेस वाइल डिग्लूटेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है, देर इज अ पेन वाइल डिग्लूटेशन, पेन वाइल डिग्लूटेशन विद देर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन यू कैन सी ऑन एग्जामिनेशन। सो दिस एक्जिमा इज द क्रोनिक कंडीशन, दैट इज द साइकोसिस। Now the varicose vein. Again important here is the varicose vein. The definition of the varicose vein is the dilatation and relaxation with the tortuosity of the vein, which comes under the psychosis. Dilatation, tortuosity, relaxation, which comes under the psychosis. But someone write the psychosyphilitic in the varicose vein. So varicose ulcer when developed, because varicose vein में क्या है, यहाँ पे भी ग्रेडेशन होता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। इवन इफ देर इज अ माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर वेरिकोज वेन, यू कैन सी देर इज अ डायलेटेशन, देर इज अ थिनिंग ऑफ द वेन, बराबर। इफ इट इज रप्चर इट कॉज द प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, देन इट गोज इन टू द साइको सिफिलिस एंड अकॉम्पनीड विद ऑलवेज वेरिकोज वेन, अगर थोड़ा ज्यादा है तो इडिमा डेवलप होता है, पेडल इडिमा विच इज स्पिटिंग टाइप। सो यहाँ पे साइकोसिस पार्ट इज मोर देखने को मिला। सिफिलिटिक कब होगा, जब वेरिकोज वेन विद देर इज अ वेरिकोज अल्सर एंड हिमोरेज इज देयर,
एंड मेरी कोज वेन डजेंट हैव द मच इन्फ्लेमेशन, इट इज नॉट इन्फ्लेमेशन, और इसलिए दैट इज दैट्स व्हाई इट डजेंट कॉज द पेन। इन द सिमिलर मैनर हिमोरॉइड्स भी अगर देखेंगे, हिमोरॉइड्स भी क्या है, डायलेटेशन एंड टॉर्चुसिटी ऑफ हिमोरॉइडल वेन। अभी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री है ना, डायलेटेशन तो हो रहा है, तो ये साइकोसिस में आएगा। बट इफ इट इज हिमोरॉइड्स विच इज डायलेटेशन विद प्रोट्रूजन कैरेक्टराइज बाय द प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग बिकॉज देर इज अ रप्चर ऑफ वेन बिकॉज कॉन्स्टिपेशन और हार्ट स्टूल, देन इट गोज इन टू द साइकोसिफिलिस। अदरवाइज द डायलेटेशन अगर है, सिर्फ हिमोरॉइड्स है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड, तो इट कम्स अंडर द साइकोसिस। हिमोरॉइड्स इज ऑलवेज लाइक अ वेरिकोज वेन, हिमोरॉइड्स इज मोस्टली अ पेनलेस, हिमोरॉइड्स इज ऑलवेज पेनलेस। व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रैक्टिस देर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन कि ये हिमोरॉइड्स है कि फिशर है। When the patient comes to you with the pain in the anal region with bleeding, most of time we consider, or most of the doctor consider it as a hemorrhoids or piles. बराबर है। Try to understand hemorrhoids never cause, not cause the painful pain except first degree, second degree, third degree में pain नहीं होगा। माइंड भी देर इज अ सोरनेस, सोर फीलिंग रहेगा पर पेन नहीं रहेगा। पेन कब होगा हिमोरॉइड्स में? सीवियर पेन होगा इन द टर्शरी, इन द फोर्थ स्टेज व्हेन देर इज द थ्रोम्बोज्ड हिमोरॉइड्स वेयर द ब्लड क्लॉट्स इज गेटिंग हैम्पर्ड एंड कॉज द इश्मिया एंड नेक्रोसिस ऑफ द फॉर्मल वेन। दैट टाइम्स दैट स्टेज इज कॉल्ड एज द साइकोसिफिलिटिक वेयर देर इज अ सीवियर पेन इज देयर। सीवियर पेन होता है, इवन दैट पार्ट इज वेरी सेंसिटिव, इफ यू एग्जामिन इट दैट पार्ट इज वेरी सेंसिटिव टू टच, देर इज अ थ्रोम्बस फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बस हिमोराइड्स। दिस कंडीशन इज ओनली पेनफुल, बट ये बहुत से केसेस इसमें नहीं जाते, बराबर है ये। और अगर हिमोराइड्स में भी कभी अल्सरेशन भी हो जाता है, नेक्रोसिस भी हो जाता है, बराबर है कि नहीं? सो दैट काइंड ऑफ हिमोराइड्स इज डिफरेंट, द पैथोलॉजी इज वेरी प्रोग्रेसिंग, बराबर। अदरवाइज इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू साइकोसिस। एंड इफ द हिमोरेज इज प्रोफ्यूज, ट्रिफल हिमोरेज, ऐसे नहीं कि डॉक्टर साहब दो चार बूंद गया थोड़ा तो हम उसको बोल देंगे अरे सिफिलिस आ गया कर, स्लाइट ट्रांजिएंट, बराबर है कि नहीं? वो सिफिलिस में नहीं आएगा, राइट? सो अभी हिमोरॉइड्स तो है, अभी फिशर है कैसे समझेंगे हम? मोस्ट ऑफ टाइम वही, क्योंकि इसमें अगर गलती की हमने डायग्नोसिस पे तो हमारे रेमेडी और टोटेलिटी में इफेक्ट होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको एकूट में बोगर अप्रोच लेना पड़ता है, जहां पे ऑर्गन एंड एफिनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, मॉडेलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ इफ यू सी द एस्कुलस इज मोर हैविंग द एफिनिटी टुवर्ड्स द हिमोरॉइडल वेन, एस्कुलस हिपोकेस्टनम कोलिनसोनिया, राइट? बट अगर हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड एंड रेटेनिया, इट हैज द एफिनिटी टुवर्ड्स द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन ऑफ एनल रीजन वेयर यू कैन सी द फिशर अगर है, तो ये ज्यादा एफिनिटी में जाएंगे, बराबर है? दैट डजेंट मीन्स कि आप प्लेनली आप उसको प्रिस्क्राइब करो, बट वेन यू टेक द बोगर अप्रोच, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विच ऑर्गन और पार्ट इज एग्जैक्टली इन्वॉल्व एंड पैथोलॉजी क्या हुई, बराबर है कि नहीं? सो इन फिशर ऑलवेज द पेशेंट एक्सपीरियंस द सीवियर पेन, सीवियर इनटॉलरेबल पेन, और पेन ऐसा रहता है कि वो तड़पता है, मतलब बैठने नहीं देता है, बाथरूम जब जाता है तो बैठने नहीं देता है। वेन द स्टूल और पासिंग दैट एनोरेक्टल एरिया, इट कॉजेज द सीवियर पेन बिकॉज वेन देर इज अ फिशर एंड पेनफुल कंडीशन, देर इज अ स्पाजम इज देयर, जो स्पिंक्टर होता है एनल का वो स्पाजम में चले जाता है, तो देर इज अ सीवियर एक्यूट स्पाजम, बराबर है? सो देर इज अ फिशर, क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल अल्सर, सो दिस इज द एक्यूट सिफिलिटिक कंडीशन, एक्यूट फिशर, सीवियर स्पाजम, इनटॉलरेबल पेन एंड लॉन्जिट्यूडिनल अल्सर, बराबर है? सो वी नीड टू डिफरेंशिएट द पाइल्स कब है और फिशर कब है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द
हमारे पास फैसिलिटी नहीं रहती, या हम डेयर नहीं करते, या पेशेंट तैयार नहीं रहता, हम एग्जामिन नहीं कर पाते। मोस्टली आई हैव टू डू द एग्जामिनेशन सो दैट द पैथोलॉजी एंड द कंडीशन इज क्लियर, पर हम नहीं करते, या काफी डॉक्टर इस एग्जामिनेशन नहीं करते। तो सिम्टम से हमको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि ये पाइल से है कि फिशर है, बराबर है कि नहीं। मेरिकोज अल्सर, राइट, साइकोसिफिलिटिक, लाइकेन प्लानस, एंड इज इट इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन विद द ऑटो इम्यूनो डिसीज, इम्यूनो मेडिएटेड डिसीज दैट अफेक्ट्स द स्किन, नेल्स, हेयर, इवन द म्यूकस मेम्ब्रेन। ओरल लाइकन प्लानस भी रहता है। सो इट इज अ साइकोसिफिलिस, सिफिलिस इज देयर, क्रोनिक स्केलिंग रहता है इसमें। देखिए ऑलवेज समटाइम्स देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन सोरियासिस और ये लाइकन प्लानस। अब ये लाइकन प्लानस देखेंगे तो लाइकेनिफिकेशन रहता है इसमें, थिकनिंग रहता है, और फाइन स्केल्स रहते हैं। सोरियासिस में लार्ज स्केल्स रहते हैं। इफ यू डोंट, मतलब कंफ्यूजन होता है कभी, अगर सिमिलर दिखता है तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो यू मस्ट टेक विथ यू द माइक्रोस्कोप, जैसे वो लेंस आता है ना, जिससे मिरर, माइक्रोस्कोपिक मिरर आता है, तो आप यू कैन यूज दैट टू डिफरेंशिएट कि ये फाइन स्केल्स है कि लार्ज स्केल्स है, राइट। नाउ द बॉइल, बॉइल इज जस्ट अ एक्यूट रेड पेनफुल कंडीशन वेयर द रेडनेस इज मोर, पेन इज मोर, विच इज प्योरली अ सोरिक। लाइपोमा विच इज अ क्रोनिक इन नेचर, नॉन इन्फ्लेमेटरी, देर इज अ लॉट ऑफ सेल्स, ओवरग्रोथ ऑफ फैट सेल्स आपको दिखेंगे, डिपोजिशन ऑफ फैट सेल्स दिखेगा, सो इट इज प्योरली अ साइकोटिक कंडीशन। नाउ अगेन द लाइपोमा इज कम्स अंडर द बेनाइन ट्यूमर। सी द ट्यूमर डजेंट मीन्स ऑलवेज द ट्यूमर मीन्स साइकोसिस। वी हैव टू डिफरेंशिएट द ट्यूमर इन टू द वेदर इट इज अ बेनाइन ट्यूमर वेर यू कैन सी द वेल डिफाइंड मार्जिन, है ना, अभी अभी मलिग्नेंट और मलिग्नेंट ट्यूमर है कि बेनाइन ट्यूमर है, हाउ वी डिफरेंशिएट। बेनाइन ट्यूमर ऑलवेज हैविंग द वेल डिफाइंड मार्जिन, हमको ट्यूमर दिखेगा प्रॉपर वेल डिफाइंड मार्जिन रहेगा, बराबर, एक एजेस प्रॉपर रहेंगे। सेकंड, थर्ड, इट कैन बी इजिली मूवेबल व्हेन यू पाल्पेट दैट ट्यूमर, इट इज इजिली मूवेबल, माउस लाइक फीलिंग आएगा। इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू सी, अगर मलिग्नेंट ट्यूमर है तो डिस्टॉर्टेड बाउंड्रीज रहेगा, वेल वेल बाउंड्रीज नहीं रहेंगे, डिस्टॉर्टेड रहेंगे ऐसे, है ना, आड़े टेढ़े। अगर आप एग्जामिन कर रहे हो, उसको पालपेट कर रहे हो, तो इट इज अडहेर टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, बराबर है। इफ यू सी द ओरल, ओरल अल्सर भी कभी कभी हम हमको कंफ्यूजन में डालता है, ओरल अल्सर। इफ यू सी द क्रोनिक अल्सर एंड माउथ अल्सर जो होते हैं, जो इवन विटामिन B12 के या बी सप्लीमेंट लेने से भी आराम हो जाते हैं, जो रिकरेंट माउथ स्टोमेटाइटिस भी होता है, माउथ अल्सर भी होता है, पर इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड एजेस दिखते हैं और इतना डीप नहीं रहता है ना। अभी ये जो क्रोनिक अल्सर रहते हैं विच इज मलिग्नेंट टाइप, इसमें इंडुरेटेड एजेस दिखेंगे आप, इंडुरेटेड एजेस दिखेंगे, बराबर है। मोस्टली इट इज लेस पेनफुल और नो पेन, है ना, मोस्टली इट इज क्रोनिक, नो पेन और लेस पेन इज देयर, इंडुरेटेड एंड डिस्टॉर्टेड एजेस दिखेंगे। लुक इज डिस्टॉर्टेड, लुक इज नॉट कि आप देखेंगे, अगर देखेंगे वो अल्सर को तो वो आपको सही नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये क्या हो गया करके। जैसे कि मैं जैसे दिखा पाए, एक मिनट, एक सेकंड, इट्स 4 o'clock,
तो ट्यूमर, मलिग्नेंट ट्यूमर, ऑलवेज ट्राई टू इवेल्युएट। आपका एग्जामिनेशन मस्ट बी सो प्रिसाइज दैट यू कम टू द कंक्लूजन कि ये सादा अल्सर नहीं है या सादा ट्यूमर नहीं है। इट इज सस्पिशियस, सो दैट यू कैन टेक द डिसीजन एट द राइट टाइम। ये ध्यान में रखिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट हु डेवलप द कैंसर में डाय और डाय अर्ली बिकॉज ऑफ द लेट डिसीजन और डिलेड डायग्नोसिस एंड डिलेड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस अगर डिलेड हुआ तो ट्रीटमेंट डिलेड होगा। वन ऑफ द केस ऑफ माय हु कम टू मी विद द मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट, ओवेरियन में भी हो गया, बोन्स में भी हो गया, बराबर। ये लॉन्ग बैक की केस है, पर वो देखिए कि उसका अगर हिस्ट्री लिया तो उसने बताया कि उसको लम्प था ब्रिस्ट में। अभी होम्योपैथ डॉक्टर के पास गए या जनरल प्रैक्टिशनर के पास गए, उन्होंने कंसिडर किया कि ट्यूमर है, फाइब्रोइडिनोमा है और मेडिसिन दे, बराबर है कि? 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया कि उसमें दर्द भी होने लगा और उसमें कुछ डेवलप भी, थोड़ा सा ग्रोथ भी हो गई और कुछ आराम नहीं मिला। तो वो डॉक्टर, वो पेशेंट, जो लेडी पेशेंट, उसको ब्रेस्ट लम्प था, वो एमबीबीएस डॉक्टर के पास गई। देयर द एमबीबीएस डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट प्रॉपरली और उसने उसको हाईली डाउट लगा कि दिस इज नॉट अ फाइब्रोएडिनोमा, इट इज नॉट अ नॉर्मल ट्यूमर जैसे बेनाइन ट्यूमर, इट इज सस्पिशियस। ही सेंड द पेशेंट टू द प्रॉपर चैनल, द सर्जन फॉर फर्दर बायोप्सी एंड एफएनएससी एंड इट कम्स टू द ब्रेस्ट कैन, मतलब दैट ट्यूमर इज द कैंसरस ट्यूमर। बट उस समय 2 से 3 महीने हो गए थे एंड टिल दैट, जब वो डायग्नोस हुआ कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, कार्सिनोमा है, मलिग्नेंसी है, टिल दैट टाइम देर इज अ मेटास्टेसिस इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश। नाउ अगर फर्स्ट जो प्राइमरी फिजिशियन है, जो विदाउट एग्जामिनेशन, अगर उसने एग्जामिनेशन किया होता और प्रॉपर डायग्नोस किया होता है ना, एग्जामिनेशन प्रॉपरली करके अगर डायग्नोसिस करता कि ये सस्पेक्टेड है, और अगर वो चाहे तो वो भी ट्रीटमेंट कर सकता था, डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोसिस और रेफर कर सकता था, माइट बी द पेशेंट लाइफ इज सेव और प्रोलॉन्ग। क्योंकि ऐसी एक मेरी केस है जो थोड़ा ओल्ड एज थी, 60 ईयर्स तब आई थी, तो निप्पल रिट्रैक्टेड थे, लम्प एग्जामिन किया तो इट इज अडेरेंट एंड डजेंट लुक्स द हेल्दी, इट एग्जामिनेशन फाइंडिंग एंड ऑल दिस एग्जामिनेशन, जैसे निप्पल्स देखना है दैट इज इम्पोर्टेंट, एरियोला एग्जामिन करना, और जो ट्यूमर है अडेरेंट था, नॉट इजिली पाल्पेबल, नॉट मच पेनफुल, मतलब कम पेन था, बट अभी जैसे फाइब्रोइडिनोमा होता है उसमें पेन नहीं रहता है कुछ भी, बिकॉज फाइब्रस टिश्यूज रहते हैं, एडिपोस टिश्यूज रहते हैं। सो वॉज हाईली सस्पेक्टेड, मैंने सस्पेक्ट किया, सर्जन के पास भेजा, एफएनएससी किया और मलिग्नेंसी सामने आई, डायग्नोस हुआ। अभी उसका मैमेक्टोमी किया, ओ मैमेक्टोमी और होम्योपैथी चला, पेशेंट आज भी है, मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में कोई मेटास्टेसिस के कोई ये नहीं थे, तो आई एडवाइस कि आप उतना पार्ट, मतलब हम पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं, ऐसे कंडीशन में एक क्लिनिकल डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमको ऑप्शंस देने पड़ते हैं, क्योंकि एज अ कैंसर वही कैन 100% श्योर दैट कि बा मैं ठीक ही कर दूंगा करके, 100% श्योर नहीं हो सकता, बिकॉज देर वॉज नो मेटास्टेसिस। आई कैन देर इज अ चांसेस कि ये पेशेंट का लाइफ बढ़ सकता है या ठीक हो सकती है, तो वही कैन सजेस्ट द आप ठीक है एमेक्टॉमी कर लीजिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू रखिए, पेशेंट इज स्टिल इज अलाइव, है ना। दोनों केसेस में कितना अंतर है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटेडली टेलिंग टू एवरीवन, इवन द माय इंटर्न्स, माय स्टूडेंट, कि डू द एग्जामिनेशन, डू द प्रॉपर एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल पेन है डजेंट मीन्स, अगर वो अपेंडिसाइटिस है और आपने मेडिसिन दिया, ओके, आपने सिम्टम्स पे मेडिसिन दिया, हो सकता है इन्फ्लेमेशन फंक्शनल है, ठीक भी हो जाए, अगर वो ठीक नहीं हो, मेडिसिन इज रॉन्ग एंड इन्फ्लेमेशन से अब्सेस फॉर्मेशन हो गया और 2 दिन में परफोरेशन हो गया, तो दिस द पेशेंट का लाइफ तो थ्रेटनिंग हो गया ना, दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इफ इट इज परफोरेशन, इट कॉज द सीवियर पेरिटोनाइटिस
एंड पेशेंट गोज इन टू द शॉक, राइट? सो बाय एग्जामिनेशन एंड बाय हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री. अभी अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है तो हिस्ट्री कैसे देगा? ऑलवेज से कि देर इज अ पेन स्टार्ट विद द एपिगैस्ट्रिक रीजन और पेरी अम्बेलिकल रीजन एंड आफ्टर फ्यू आवर्स इट शिफ्ट टू द राइट इलियक फोसा. इफ यू एग्जामिन इट, देर इज अ टेंडरनेस एट द मैकबर्निस पॉइंट विच इज द 2/3 फ्रॉम द दिस अम्बेलिकस एंड 1/3 फ्रॉम द इलियक क्रिस्ट. एंड यू कैन सी द रिबाउंड टेंडरनेस, यू कैन सी द सॉस टेस्ट, यू कैन सी द रोसिंग साइन पॉजिटिव. एंड इफ यू नो ऑल दिस, यू आर इन अ बेटर पोजिशन कि ये कटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स है, हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे. बट इन कॉन्ट्रास्ट, अगर आप पेशेंट आपके पास 2 दिन बाद आता है तो हो सकता है इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस हो के इशेमिया डेवलप हो सकता है आपसे, तो आपको वो भी कंडीशन समझ में आना चाहिए. यू कैन एडवाइज इवन यू कैन एडवाइज द यू कैन एडवाइज द यू कैन एडवाइज द इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, है ना? दिस इज द अल्सरेशन, यू कैन सी अल्सर प्रोलिपरेटिव ग्रोथ इन द ओरल कैविटी. एक कॉलेज में एडमिट है पेशेंट, आपको दिख रहा है सबको, द लुक इटसेल्फ डिफाइन कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल अल्सर, बराबर है कि नहीं? लुक इटसेल्फ डिफाइन, सो दिस इज अ क्या मतलब, दिस इज कैंसर ग्रोथ. राइट, तो कम टू द पॉइंट, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, एंकिलोजिंग विच इज अगेन द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिसीज कॉजिंग सीवियर क्रोनिक पेन. एडिशनली मोर एडवांस केसेस इट कैन कॉज द स्पाइन फ्यूजन. सो फ्यूजन द पेशेंट, इट इज कॉल्ड एज द बाम्बू स्पाइन, वेयर द पेशेंट इवन कांट मूव द नेक, मूव द स्पाइन बैक, है ना? सो इट इज, देर इज अ ग्रोथ, ऑस्टियोफाइट्स दिखेंगे, फ्यूजन दिखेगा विद, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज. सो दिस इज द साइकोसिपलेटिक केस. मोर डिस्ट्रक्शन अगर है, है ना, सीवियर फ्यूजन है, तो इट गोज इन टू द सिफिलिस. SLE, सिस्टेमिक लुपस एरिथोमेटोसिस, इट इज ऑटोइम्यून कंडीशन विथ डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टॉर्शन टेक प्लेस. हियर देर इज अ एक्टिवेशन ऑफ ऑटो reactive T cells and B cells leading to the production of pathogenic autoantibodies and which damage the tissue and organ. That's why it is a syphilitic. Whatever? SLE. Now anemia. Most of the time we have to, such a type of terminology. This is a vague terminology, though anemia is just a reduction of hemoglobin. Less hemoglobin is called as where hemoglobin ka kaam hai, oxygen carry karta hai to the body's tissue or system or organ. Anemia matlab less healthy hemoglobin. Hai na? तो अभी एनीमिया किस किस वजह से हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट पैथोलॉजी कि वो कैसे क्लासिफाई होगा कि वेदर एनीमिया इज इन द सोरा साइकोसिस सिफिलिटिक और फ्रैंक सिफिलिटिक कंडीशन, बराबर है ना? नॉट ऑलवेज एनीमिया इज द सोरिक, नॉट ऑलवेज एनीमिया इज द सिफिलिटिक. ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनीमिया कॉज ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डेफिशियंसी और डाइट, डाइट कम ले रहे हो, है ना? डाइट रिलेटेड है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण है, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रिशनल एनीमिया. हियर द करेक्शन ऑफ डाइट एंड करेक्शन थ्रू द प्रॉपर सप्लीमेंट करेक्ट द कंडीशन. इट इज, दिस इज मोर सोरिक इन नेचर. इन द सेम सेम डायबिटीज भी वैसे ही रहता है, स्ट्रेस डायबिटीज रहता है या न्यूट्रिशनल डायबिटीज रहता है या रिसेंटली ओरिजिन डायबिटीज रहता है, जिसमें जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस और न्यूट्रिशन या डाइट में चेंज करने से ही पेशेंट का शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है.
देर इज नो नीड फॉर द मेडिकेशन, तो इसको भी सोरिक डायबिटीज ही बोले, विच वैनिश, डायबिटीज ठीक हो जाएगा इजीली। अभी एनीमिया में साइकोटिक एनीमिया कैसे, हीमोग्लोबिन गोज डाउन है, हीमोग्लोबिन कम हुआ, सी डोंट डोंट पिक अप दिस टर्म लाइक दिस कि हीमोग्लोबिन कम हुआ तो साइकोसिस ही है, कर सीधा पैथोलॉजी, मतलब ऐसे नहीं कि इफ इफ आई एम सेइंग कि पैथोलॉजी देखो तो यहाँ तो हीमोग्लोबिन कम हो रहा है ना, बराबर है, दैट मीन्स इट इज अ साइकोसिस, बट व्हाई दिस हीमोग्लोबिन इज गेटिंग रिड्यूस, इज देयर द ओरिजिन जहां से हीमोग्लोबिन बनता है या सीबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल्स बनता है, आरबीसी बनता है, उसमें प्रॉब्लम है बोन मैरो में, इज देयर, हो सकता है कि सिकलिंग सिकल शेप आरबीसी कट हो रहे, कट हो रहे, एक मेक को काट रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, सो इज इट इज दिस प्रॉब्लम। सो व्हेन एचबी गोज डाउन ड्यू टू एनी कॉज लाइक हाइपोप्लाजिया, हाइपोप्लाजिया मुझे फॉर्मेशन उसका कम हो रहा है, विच कॉजेज द बोन मैरो डिप्रेशन, देन इट कम्स अंडर द साइकोसिस। अप्लाजिया, अप्लास्टिक, वेयर देर इज अ कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ हाइपोप्लाजिया है, एंड देर इज अ टर्म अप्लाजिया, देर इज अ टर्म अजिनेसिस, हाइपोजिनेसिस एंड अजिनेसिस, सी अजिनेसिस मीन्स ऑर्गन कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ, हाइपोजिनेसिस मीन्स ऑर्गन फॉर्म हुआ है, स्टार्ट हुआ है फॉर्म होने को, पर फुल्ली डेवलप नहीं हुआ, सो हाइपोप्लाजिया यू कैन से दिस इज द साइकोटिक पैथोलॉजी, एंड अजिनेसिस अप्लाजिया इज द सिफिलिटिक पैथोलॉजी, बराबर है कि नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। व्हेन डिस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड लाइक अ परनिशियस एनीमिया, व्हेन देर इज अ डिस्ट्रक्शन एंड टोटल लॉस ऑफ द ऑल ब्लड सेल्स, है ना, तो सिफिलिटिक है, लाइक सिकल्स सिकलिंग में होता है, सिफिलिटिक है, एनीमिया इन द सिकल सेल, सिफिलिटिक। थैलेसेमिया इज, इट इज अ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट कॉज योर बॉडी टू हैव लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल, वेयर द पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड फटीग, इट इज अ कॉज ड्यू टू द म्यूटेशन, है ना, म्यूटेशनल डिसीज है, सो इट अगेन इट इज साइकोसिफिलिटिक और सिफिलिटिक। ट्रोम्बोसाइटोपेनिया, रिड्यूस प्लेटलेट्स ड्यू टू द फेल्यूअर ऑफ द मेगा कैरियोसाइट मैच्यूरेशन, दैट सिफिलिटिक। अप्लास्टिक एनीमिया, फेल्यूर ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन सिफिलिटिक। नाउ कम्स टू सी द पिक्चर, एकूट टॉन्सिलाइटिस, सॉरी एकूट इन्फ्लेमेशन देखिए कैसा रहता है, और क्रोनिक इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल देखिए कैसा रहता है। व्हाई द क्रोनिसिटी कम्स अंडर द, बिकॉज ये प्रोलॉन्ग कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन, यू यू कैंट सी द एक्टिव इन्फ्लेमेशन देयर, पेशेंट डजेंट हैव द पेन, दिस इज कॉल्ड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, तो ये साइकोसिस में आएगा। इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू सी देर इज लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन विच इज एक्यूट इन नेचर, रिसेंट इन ओरिजिन, लॉट ऑफ कंजेशन इज देयर, बराबर है, तो दिस इज द सोरिक इन नेचर। अभी इसमें हो सकता है कि पस पॉकेट्स हो, अल्सरेशन हो, तो इट मे गोज इन टू द सोराइटोसिफिलिस, इट मे गोज इन टू द सोराइटोसिफिलिस। नेजल पॉलिप है ना, ट्यूमर है, ग्रोथ हो रही है, विद वेयर देर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे फील होता है, माउथ ब्रीदिंग होती है, तो नेजल पॉलिप इज प्योरली साइकोसिस, राइट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स वेयर यू कैन डिफरेंशिएट द माइज़म एज पर द अंडरलाइन पैथोफिजियोलॉजी, बराबर, देर आर द लॉट ऑफ कंडीशंस यू कैन सी, बट आई हैव टेकन सम फ्यू केसेस सो दैट यू कैन अप्लाई इट एवरीवेयर, बराबर है ना, उसमें क्यों हम ये कर रहे हैं दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड, बराबर है। अभी मेंटल्स सिम्टम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि मेंटल्स, मतलब मेंटल्स तो एंग्जाइटी भी है, फियर भी है, एंग्विश भी है, इंडिफरेंस भी है, इम्पेशेंस भी है, स्ट्रेंज भी है। अभी ये सिम्टम्स, विच सिम्टम्स इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज डिफाइंड बाय द माइजमेटिक अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, विच सिम्टम इज मोर इम्पोर्टेंट। सिम्टम्स तो भर अपने केस अच्छी ले ली, सिम्टम एनालिसिस किया है, सिम्टम्स काफी हो गए हैं, भर भर के सिम्टम है, तो हम फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिम्टम्स को इम्पोर्टेंट दू कि ये सिम्टम्स को इम्पोर्टेंट, कौन से सिम्टम्स को इम्पोर्टेंट, और हम सब सिम्टम्स अगर रेपर्टराइजेशन में डालते हैं तो एक ही रेमेडी आती है, दैट इज द सल्फर, तो क्या सल्फर देना है,
So, in order to solve this problem, we need to analyze the symptoms into the psoriasis and syphilis. For that, we need to understand कि ये माइजमेटिक एनालिसिस हम कैसा करेंगे, कैसे करेंगे, बराबर है कि नहीं? सो ट्राई टू सी, है ना, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ अफेक्शनेट, व्हेन वी कैन सी द अफेक्शनेट केयरिंग प्रेमर, अफेक्शंस बोलते हैं ना, डिस्प्लेइंग द वॉर्म्थ एंड केयर एंड लव. व्हाट यू, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस? ये कोई डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, माइंड है, या डिस्ट्रक्टिव माइंड है, साइकोटिक माइंड है, या सोरिक माइंड है? सो व्हेन देयर इज अ लव एंड केयर, केयर वरीज इज डिफरेंट, केयर्स एंड वरीज इज डिफरेंट. हियर इज द केयर, डिस्प्लेइंग वॉर्म्थ एंड केयर, डिस्प्लेइंग द अफेक्शन, इट इज प्योरली अ सोरिक. दैट्स व्हाई अफेक्शनेट, दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ द पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट. सोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें भी अफेक्टेशन, सी अफेक्शनेट एंड अफेक्टेशन. अफेक्टेशन मीन्स फॉल्स अपियरेंस और अजम्पशन ऑफ स्टेट और क्वालिटी और मैनर और शोविंग ऑफ वंस एबिलिटी अकॉम्प्लिशमेंट पोजिशन स्टेटस और पोजिशन. मतलब जो नहीं है वो दिखा रहा है, शो कर रहा है, ऐसा स्टेट दिखा रहा है, ऐसे खुद का क्वालिटी दिखा रहा है जो है ही नहीं उसके पास. तो इसको बोले ना फॉल्स अजम्पशन, फॉल्स शोविंग, फॉल्स शोविंग. शो ऑफ करना भी अलग बात है, पर ये फॉल्स शो कर रहा है जो है ही नहीं, बराबर. सो दिस इज द अफेक्टेशन, ढोंग करना. दिस इज प्योरली अ साइकोसिस, मतलब जो है ही नहीं वो बता रहा है, बराबर है ही नहीं, वो मस्का, मतलब है ना फसाड़. द टर्म वी यूज इज द, मतलब है ही नहीं ना, पर फिर भी वो दिखावा कर रहा है. तो जहां पे दिखावा आता है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिखावा आता है तो साइकोसिस आएगा. अडल्टेरस, भेसड़. अडल्टेरस मीन्स कुछ है उसमें इंटरफेयर, उसमें और मिक्स करेंगे, जो प्रॉपर है उसमें मिक्स करेंगे, जो लॉजिकल और मोरली सही नहीं. मीन्स पर्सन हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद फीमेल अदर देन हिज लॉफुल वाइफ. दिस इज द अडल्टेरस इज साइकोसिस. अगेन अडल्टेरस में भी हम देखेंगे कि इफ हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप, हैविंग डिफरेंट फीमेल्स विद मिक्स विद द लेबिडिटी, शेमलेसनेस, शेमलेस कंडीशन, बराबर है, लैसिवियसनेस, देन दिस अडल्टरस गोज इन टू द डिफरेंट फॉर्म. अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. एडमोनिशन, एडमोनिशन क्या है? एडमोनिशन मतलब माइल्ड स्कोल्डिंग जिसको बोलेंगे. अरे पैर से ही, मतलब हम बोलते हैं ना कि पैर से गुस्सा किया कोई, है ना, बच्ची बोलो, लड़का लड़की, रोने शुरू कर देते हैं हम उससे पैर से भी. काफी बार पेशेंट नैरेट करता है अपने बच्चों के बारे में, या फादर पेरेंट्स नैरेट करते हैं अपने बच्चों के बारे में कि डॉक्टर साहब इसको पैर से भी ऐसा बोलो कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना था. सो शी स्टार्टेड वीपिंग, शी स्टार्टेड वीपिंग, मतलब टू वॉर्न और टू पॉइंट टू अ फॉल्ट टू रिप्रूव. मतलब अगर उसका फॉल्ट भी बता दिया, बेटा ये गलत हो गया, तो भी वो रोने लगेंगे. दिस आर सेंटिमेंटल टाइप ऑफ पीपल. तो एडमोनिशन इज अ प्योरली सोरिक इन नेचर, प्योरली सोरिक इन नेचर. नाउ देर आर द मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, अब्सेंट माइंडेड, एब्सॉर्ब, बरीड इन थॉट एंड अब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड. अब्सेंट माइंडेड मतलब क्या? लॉस्ट इन थॉट. माइंड यहाँ पे नहीं है, कहीं और है. मतलब पढ़ा रहा हूं मैं, अगर क्लास में पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उस पे ध्यान न होके वो कोई गार्डन में, उसका माइंड है कि गार्डन में हम घूमने गए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो सोच में है. तो सोच कहीं, माइंड कहीं और है. दिस इज कॉल्ड अब्सेंट माइंड. जो प्रेजेंस जो चल रहा है उस पे माइंड नहीं. सो अब्सेंट माइंडेड, लॉस्ट इन थॉट, शोविंग प्री ऑक्यूपेशन, नॉट बींग अटेंटिव, बींग समवेयर एल्स, हैविंग द माइंड विड्रॉ फ्रॉम वॉट इज पासिंग ऑन. दिस इज द साइकोसिस, इट इज नॉट सोरा, इट इज अ साइकोसिस. क्यों? क्योंकि जहां होना चाहिए नहीं है, ये कहीं और है ना. मतलब यादों के पुलाव पका रही है या पका रहा है, दैट इज वी कैन से लाइक दैट.
राइट, एब्सॉर्ब इन थॉट और बरीड इन थॉट वी कैन से। यहाँ पे एक ही चीज पे फिक्स हो जाएगा, उस पे एब्सॉर्ब। दिस क्वालिटीज मोस्ट ऑफ टाइम साइंटिस्ट हैव दिस क्वालिटी, मतलब पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में इतना मग्न हो गया, इतना एब्सॉर्ब हो गया कि और कुछ दिख नहीं रहा उसका, पर मेंटली वो नॉर्मल है। अगर कोई बात करेगा, आवाज देगा तो प्रॉपरली बात करेगा, प्रॉपरली रिस्पॉन्स देगा। दिस इज एब्सॉर्ब इन बरीड इन थॉट, दिस इज द प्योरली साइकोसिस। बट इन कॉन्ट्रास्ट दूसरा देखो, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, यह अब्स्ट्रैक्शन बराबर। व्हाट इज द अब्स्ट्रैक्शन? द एक्ट ऑफ विड्रॉइंग और रिमूविंग समथिंग। हियर द पर्सन इज टोटली आउट ऑफ रियलिटी। यहाँ पे सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और अभी एब्सॉर्ब इन थॉट में भी होता है, एब्सेंट माइंडेड में भी होता है कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो इज नॉट ये। पर अब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड में क्या होता है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एकदम अलग हो जाते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते। फॉर एग्जाम्पल सिजोफ्रेनिक केस अगर देखे होंगे आपने, वेन देर इज अ लॉट ऑफ डिल्यूजन इज देयर, वो अपने ही थॉट्स में रहते हैं, उनके रियलिटी और उनके डिल्यूजन में काफी अंतर होता है। दे लॉस द टच ऑफ रियलिटी इन अब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, दैट्स वाई इट इज अ सिफिलिटिक कंडीशन। He is entirely engrossed in the thought. Abstraction of mind is a condition of being lost in solitary thought to be unaware of the surrounding. So, abstraction of mind is the syphilitic condition. Now, we always see the anxiety, fear, fright, anguish. All these are the emotions. We called it as a primary emotion. Anxiety, fear, fright, anguish. Abhi anxiety, we know this is an unpleasant emotion of something there is a happen. बट वी डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली इज द कॉज और व्हाट इज हैपनिंग। मतलब कुछ तो लग रहा है, कुछ तो होने वाला है, अप्रीहेंशन दिख रहा है। एंग्जाइटी इज लाइक अप्रीहेंशन और समथिंग गोइंग टू हैपन। देर इज अ फियर, स्लाइट फियर, बट आई डोंट नो कि एग्जैक्टली कि क्या है कर। इन कॉन्ट्रा दैट्स व्हाई इट इज अ सोरा, इट इज कॉल्ड अप्रीहेंशन। फियर हैविंग द सर्टन कॉज थॉट प्रोसेस लाइक अ फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ डॉग। सो इट इज मोर ऑफ सोरा टू, इसमें साइकोसिस ज्यादा आएगा, फियरफुल नेचर तो साइकोसिस ज्यादा है। फ्राइट, नाउ फियर का सीवियर इंटेंस वर्जन है फ्राइट, वेयर इट इज डिफाइन एज सडन एंड वायलेंट फियर यूजली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन विच कम्स अटैक जैसे। इट इज अ टेरर एक्साइटेड बाई डेंजर। मतलब अभी अगर छिपकली दिखेंगी तो आप डर भी जाएंगे, वो कीड़ा दिखेगा या कुछ कॉकरोच दिखेगा, हो सकता है थोड़ा डर जाएंगे। पर अगर एकदम से सांप दिख गया आपको, स्नेक दिख गया, स्नेक जैसे लगा, तो आप डरेंगे नहीं ना। इट इज अ फ्राइट, इट इज अ टेरर। एकदम से शेर या और कोई एनिमल्स आ गया, जो जैसे शेर आ गया किसी के सामने या दिख गया एकदम से, दूर भी दिखा तो है ना डर जाएंगे ना, उसमें डर और फ्राइट रहेंगे। इट इज अ इंटेंस एंड सडन फियर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इट इज द सिफिलिटिक एंग्विश। ऐसे ये एंग्जाइटी का एंग्विश सिफिलिटिक और साइकोसिफिलिटिक। इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड बाय इमोशन और पेन, है ना। तो कब एंग्जाइटी लेना और कब एंग्विश लेना वो इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अगर एंग्विश में है, सो सी दैट एंग्विश इज द साइकोसिफिलिटिक और सिफिलिटिक कंडीशन। एंग्विश एट नाइट, रेस्टलेसनेस, एंग्विश वीथ। तो रासायनिक अगर देखेंगे तो उसमें एंग्जाइटी भी है, फियर भी है, फ्राइट भी है, एंग्विश भी है। सो एंग्विश इज नॉट अ सिंपल सोरा और साइकोसिस, इट इज अ साइकोसिफिलिटिक और सिफिलिटिक कंडीशन। नाउ सेंसोरियस, सेंसोरियस मतलब दूसरे के फॉल्ट निकालना, कंडेम मतलब क्रिटिसाइज करना। कंडेम अदर्स ऑन सोशल मोरल एंड अदर ग्राउंड, इंक्लाइन टू फाइंड फॉल्ट, रिप्रोचिंग अदर्स। रिप्रोचिंग सेल्फ इज डिफरेंट, इट इज कॉल्ड ऑटोइम्यूनोरुब्रिक बोलते हैं इसको, ऑटोइम्यूनो मैं ही गलत। मतलब फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अदर्स, दैट इज कॉल्ड सेंसोरियस। रिप्रोचिंग अदर्स ये साइकोसिस हो गया, उसमें फॉल्ट निकालना। पर फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेल्फ एवरीथिंग, मैंने ही गलती की है, मेरे वजह से हुआ, दिस इज नॉट अ गुड, इट इज ऑटोइम्यूनो सिम्टम, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट।
सेंसोरियस इज साइकोसिस, बट रिप्रोचिंग सेल्फ इज द सिफिलिटिक। यहाँ पे जो है ऑटो इम्यून, इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून रूब्रिक और ऑटो इम्यून सिम्टम्स, इट इज सिफिलिटिक। कैरिड डिजायर फॉर, सी द गोल्डन रूल इज द एनीथिंग विच गिव्स द फील्स बेटर, विच गिव्स द फील्स बेटर और एमुलरेशन या डिजायर, फील्स बेटर, एमुलरेशन, डिजायर, ऑल दीज आर थिंग्स कम्स अंडर द साइकोसिस। मतलब आई एम फीलिंग बेटर बाय दिस, आई एम फीलिंग बेटर बाय दैट, एमुलरेशन बाय दिस, लाइक कैरीड डिजायर फॉर, डिजायर डिजायर दिस, डिजायर दैट, डिजायर मनी, मूव वाइल सपोर्टिंग, तो दिस इज द प्योरली साइकोसिस। टेंडेंसी टू डिसीव, डिसऑनेस्ट, इट इज द साइकोसिस। डिसीव करना, धोखा देना है ना, झूठ बोलना है, झूठ बोल के या धोखा देना है, डिसीट करना, लाइंग, ऑल दीज आर द साइकोसिस इन नेचर। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट इज टू डिफरेंशिएट द एमोरस, लेसिवियस, लेविडनेस एंड शेमलेसनेस। माइंड विद दिस पिक्चर गिव्स यू द रफ अंडरस्टैंडिंग आप कि ये कौन सा है, इसमें शेमलेस कौन सा है, एमोरस कौन सा है और लेसिवियस कौन सा है। एमोरस इज द लविंग फीलिंग आता है इसमें, सेक्सुअल, सेक्सुअली अराउज बट सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। हियर द सेक्स इज नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट, रोमांटिक फीलिंग ज्यादा रहता है यहाँ। दिस इज द सोरिंग इन नेचर, रोमांस, अफेक्शन, केयर, लव। तो एमोरस इज द सोरा। इसमें आगे अगर गए, पहले एमोरस फीलिंग है, अफेक्शन लव दिखा रहा है, फिर सेक्सुअल एक्सट्रीम डिजायर फॉर सेक्स एंड ऑलवेज डिवोटिंग हिज एनर्जी टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ लस्टफुल डिजायर, या पर्सन इज मच मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेक्सुअल थॉट्स एंड सेक्सुअल एक्ट दे इंडूल, दे हाईली डिजायर टू एक्ट फॉर देयर ग्रेटिफिकेशन। सो यू कैन सी द लस्ट और दिस फीमेल्स आई और फेशियल एक्सप्रेशन अगर देखेंगे तो लस्ट दिखेंगे। दिस इज द लेसिवियसनेस। यहाँ पे दिस इज साइकोसिस नॉट सिफिलिटिक। पेशेंट वॉन्ट द सेक्सुअल एक्टिविटी, दैट्स वाई दे यूज देयर लॉट ऑफ एनर्जी टू गेन दैट, टू ग्रेटिफाई दैट कंडीशन। बट इन उसमें आगे अगर सीवियर जाएंगे तो लेबिडनेस आएगा, वेयर द सेक्सुअल थॉट मे नॉट बी प्रीडोमिनेंट। यहाँ पे सेक्सुअल थॉट है, सेक्सुअली करने का ये ज्यादा ही नहीं है, डिजायर टू एक्सपोज द बॉडी। दिस इज अगेन कम्स अंडर द शेमलेसनेस, एग्जिबिशन वॉन्ट्स टू बी एग्जिबिशन, एग्जिबिशनिज्म। तो लेविडनेस इज द डिजायर टू एक्सपोज द बॉडी, शी विल लीव देम अनकवर्ड इन अ सच मैनर दैट शी रिमेन एक्सपोज वॉलंटरी, एंड दिस इज द वॉलंटरी। दिस इज नॉट कि सिजोफ्रेनिया में बा नेकेड हो रहा है, तो दिस इज वॉलंटरी एक्ट, शी वॉन्ट्स टू बी एक्सपोज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ शेमलेस मैनर। तो शेमलेस एंड लेविडनेस कम्स अंडर द सिफिलिस। द एग्जाम्पल आई हैव गिवन, आई थिंक यू नो, एवरी वन नो दिस एक्ट्रेस, वी कैंट से इट्स शी इज एक्ट्रेस, बट दिस लेडी वेयर यू कैन से द इसमें टाइटल आता है कि शेमलेस बट ड्रेसिंग, इनडिसेंट ड्रेसिंग, तो दिस इज द शेमलेस कंडीशन। इन द सेम वे वी कैन सी द कंटेम्पचुअस फीलिंग, कंटेम्प्ट मतलब लैक ऑफ रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट करना किसी का, तो ये साइकोसिस में आएगा। हॉटी, हॉटी, देयर इज अ सीवियर सुपीरियरिटी फीलिंग एंड एरोगेंसी, डिसडेन, एरोगेंटली एंड इनऑर्डिनेटली प्राउड, एन ओवरबेयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, हु इज वेरी प्राउड हिज लुक, और दूसरे उनको, दूसरे को इनफीरियर समझना, ही कंपेयर हिमसेल्फ विद अदर्स एंड टेंस टू लुक डाउन अपॉन देम इन कंटेम्प्ट। तो कंटेम्पचुअस फीलिंग तो रहेगा, कंटेम्पचुअस में दूसरे के प्रति डिसरिस्पेक्ट रहेगा, लैक ऑफ रिस्पेक्ट रहेगा, पर यहाँ पे ओवरबियरिंग रहता है, हॉटी में सुपीरियरिटी फीलिंग भी रहेगी। सो कंटेम्पचुअस अगर है तो साइकोसिस में आएगा, हॉटी, हॉटी अगर है पेशेंट तो इट कम्स अंडर द साइकोसिफिलिटी।
इट कम्स अंडर द साइकोसिम्पेटिक, मोर इम्पोर्टेंट, बराबर है। दिस कैन बी यूज इन ट्रीटिंग द पैथोलॉजिकल केसेस वेयर द साइकोसिस इज प्रीडोमिनेंट, पर अगर फ्रैंक सिफिलिस है और हॉटिले है तो वो गलत हो। डिस्ट्रक्टिव विच इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव, एवरी वन नोज द डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रॉइंग थिंग, डैमेजिंग थिंग, दिस इज द प्योरली सिफिलिटिक, राइट। स्क्वैंडरिंग मनी, एग्जैक्ट, एक्स्ट्रावेगेंस और स्क्वैंडरिंग मनी बोथ आर द सिमिलर टाइप ऑफ रूब्रिक। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स स्पेंडिंग द थिंग्स एक्स्ट्रावेगेंटली, स्क्वैंडर मीन्स स्पेंडिंग द थिंग्स एक्स्ट्रावेगेंटली, एंड स्क्वैंडर मनी मीन्स एक्स्ट्रावेगेंट इन स्पेंडिंग द मनी दैट ही मे बी अननेसेसरी और अनवांटेड परचेस, मेक वर्थलेस इन्वेस्टमेंट विदाउट हैविंग केयर और एनीबडी इन द फैमिली। केयर नहीं, कैसे होगा क्या होगा, विदाउट प्रॉपर जजमेंट, विदाउट प्रॉपर डिसीजन, यहाँ पे इंटेलेक्ट नहीं यूज करता है, हैव नो प्लानिंग और जजमेंट, सो इट इज स्क्वैंडर्स मनी इज द साइकोसिस। एक्स्ट्रावेगेंस, इमॉडरेट डिस्प्ले और एक्सपेंस, डिस्प्ले शो ऑफ करना एक्स्ट्रावेगेंस, ग्रेट डिजायर टू स्पेंड मनी विच मे बी अनअफोर्डेबल इन द नॉर्मल कोर्स, ही हैज द हैबिट ऑफ पॉइंटलेसली स्पेंडिंग मनी एनर्जी टाइम, दिस एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब लिमिट के बाहर है ना, लिमिट के बाहर, तो एक्स्ट्रावेगेंस, दिस इज द साइकोसिस। लोक्वेसिटी साइकोसिस, इंडस्ट्रियस, अब ये इंडस्ट्रियस मतलब डिजायर टू वर्क, एक्टिविटी डिजायर, अभी इंडस्ट्रियस हार्ड वर्क करते रहेगा, कंटिन्यूअस वर्क करेंगे, अभी इंडस्ट्रियस में भी है इंडस्ट्रियस इन ऑर्डर टू गेन द एम्बिशन, इन ऑर्डर टू अचीव द मोटिव, इन ऑर्डर टू अचीव द एम्बिशन, ये हार्ड वर्क कर रहा है, कंटिन्यू वर्क कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, दिन रात इन द सेंस देर रात तक काम कर रहा है, पर जहां पे ऐसा इंडस्ट्रियस है, जहां पे दे लॉसिंग देयर सेंस की आउटर फैमिली है, बच्चे हैं, उनके प्रति कुछ भी उनको उसको अगर सेंस नहीं है, एंड ही जस्ट इन्वॉल्व एंड इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन इन देयर वर्क विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द फैमिली, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इवन हिमसेल्फ, कि खाना खाना है, प्राइमरी जो चीजें रहती है सब वो करना है, तो सब ड्यू रिस्पेक्ट, उसमें कुछ भी अगर केयर नहीं करेंगे तो इट गोज इन टू द सिफिलिस, बराबर है कि नहीं। सो डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन, वी कैन से मिशीवस, मिशीवस मोस्टली मिशीवसनेस, वी टेक इट एज अ साइकोसिस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इसमें सिफिलिटिक ट्रेंड भी है। नॉटी और एनोइंगली प्लेनफुल, इट इज नॉट अ प्लेफुल, या दूसरों को जस्ट दूसरों को छेड़खानी करना, ये सिर्फ मिशीवस नहीं है, एनोइंगली प्लेफुल, डेलिबरेटली जानबूझ के कॉजिंग हार्म और डैमेज, मतलब कुछ पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट है मार देना तो उसको इंजुरी हो गई, खून निकल रहा है, उसके प्रति उसको ये नहीं है, तो दिस इज द मिशीवस विच कम्स अंडर द साइकोसिफिलिटिक, नॉट प्योरली अ साइकोसिस। सो मिशीवस इज साइकोसिफिलिटिक, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ चाइल्ड, इफ द चाइल्ड केसेस इज देयर एंड यू गेट सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस और इंफॉर्मेशन, टेक द मिशीवस एज अ इंपॉर्टेंट रूब्रिक बिकॉज इट इज अ साइकोसिफिलिटिक रूब्रिक। इनोए बोर्डम, बोर्ड फीलिंग, इट इज अगेन द इट इज देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है इसमें, डिस्पेयर भी हो सकता है, द बोर्डम इनोई डोंट वॉन्ट टू बी कंटिन्यू दैट थिंग, अभी ये प्रैक्टिस में भी हो है, इलनेस में भी है, या ऐसे स्टेट है जहां पे बोर्ड फील हो रहा है, डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, तो इट इज अ साइकोसिफिलिटिक बोर्डम। अगेन देर इज अ वियरीसम एंड इनोई बोर्डम, वियरीसम इज द वियर ऑफ लाइफ, वियरी ऑफ लाइफ इज द टायर्ड ऑफ लाइफ, लोदिंग ऑफ लाइफ, ये थोड़ा सिफिलिटिक के तरफ ज्यादा जाता है, वियरी ऑफ लाइफ, जिंदगी से ही अभी उब गया हो, सी जिंदगी से उबना और अभी ये स्टेट से उबना, कि अभी जो है बैठा हूं मैं, कुछ काम नहीं है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही, ये स्टेट के लिए कुछ देर के लिए, इट इज नॉट सीवियर फॉर्म नहीं है, तो ये इनुई है, टायर्ड मतलब टेडियस या बोर्डम फीलिंग, तो वियरी ऑफ लाइफ इज मोर टुवर्ड्स सिफिलिटिक, ये इनुई बोर्डम इज मोर टुवर्ड्स द साइकोसिफिलिटिक। डिस्पेयर, निराश हो जाना, होपलेस, होप लॉस्ट हो जाना, तो ये सिफिलिटिक के तरफ जाता है,
निराश होना, आशा छोड़ देने, मतलब होप ही नहीं है कुछ कि ये कुछ होगा। द स्टेट इन विच ऑल होप इज लॉस्ट और अपसेंट। नाउ हियर इट इज अ स्टेट, बोर्डम इज ऑल्सो अ स्टेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन केस वेदर द स्टेट एंड डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन इज डिफरेंट एंड स्टेट इज डिफरेंट। स्टेट इज लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विच कम्स बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट्स। नाउ डिसकंसर्टेड, दिस इज ऑल्सो स्टेट, इट इज अ फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग, है ना रूब्रिक, फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग, अपसेट, थ्रोविंग इन टू कंफ्यूजन, अपसेट, फ्रस्ट्रेटेड, नो यूज ऑफ मेकिंग द फर्दर एफर्ट्स, सरेंडर कर दे दो, हो गया अभी मेरे से नहीं होगा। कुछ बोलता है ना पेशेंट कि बस डॉक्टर साहब इतने साल तक लिया और इतनी बार ये डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर को दिखाया, बस हो गया अभी थक गई हूं मैं, फ्रस्ट्रेट हो गई। इट शोज द लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अभी कुछ नहीं करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। ही और शी सरेंडर, डेफिटेड फीलिंग, हो गया अभी कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज द डिसकंसर्टेड। इफ यू सी दिस इन द केस, बिकॉज इट इज हैविंग द टू रेमेडीज, डिसकंसर्टेड, वन इज द इग्निशिया, सेकंड इज द ब्रोमियम। इफ यू फाइंड दिस स्टेट इन द पेशेंट, मोस्टली ए सिफिलिटिक स्टेट है, तो डिसकंसर्टेड इज द सिफिलिस। तो एक्यूट सिफिलिस में अगर दिखता है ये स्टेट, या इवन इन द क्रोनिक कंडीशन, यू कैन थिंक ऑफ दिस रूब्रिक, डिसकंसर्टेड सिफिलिस। हिस्टेरिया इज द फ्रैंक सिफिलिस, है ना, हिस्टेरिया देखा है ना हमने, टाइप्स ऑफ सिफिलिस में हिस्टेरिया इज द, व्हाई हिस्टेरिया इज द फ्रैंक सिफिलिस, इज आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन। हिस्टेरिया इज द टर्म अनमैनेजेबल इमोशनल एक्शन, ऑफन लॉस सेल्फ कंट्रोल, वेयर देर इज अ लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल आउटबर्स्ट एंड द बिहेवियर एग्जिबिटिंग एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड इमोशन सच एज द फियर और पैनिक। राइट, सो हाउ वी डिफरेंशिएट बाय द टर्मिनोलॉजी, बाय द रूब्रिक्स इन टू द माइजर, द हिस्टेरिया। इफ इफ यू गेट दिस, दिस इज अ फ्रैंक सिफिलिस, दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ फ्रैंक सिफिलिस, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक टू सॉल्व द साइकोसिफिलिटिक केसेस एंड द सिफिलिटिक केसेस। इनकंसोलेबल, ये काफी बार हम यूज नहीं करते हैं या पता नहीं होता, काफी सारे रूब्रिक्स है। इवन हम अभी अभी भी आज भी मैं पढ़ता हूँ तो काफी सारे रूब्रिक्स ऐसे लगते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है, काफी रूब्रिक्स का मीनिंग इजीली हमको समझ में नहीं आता है, हमको उसको काफी एफर्ट्स करना पड़ता है। तो पेशेंट में कैसे मिलेगा वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको ये रूब्रिक्स हमारे पेशेंट में, सॉरी हमारे माइंड में नहीं होंगे, हमको समझेंगे नहीं या हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम पेशेंट से पिकअप पिक नहीं कर सकते। मतलब व्हाट एवर ऑलरेडी इन आवर माइंड दैट वी कैन पिकअप। अगर इनकंसोलेबल पता ही नहीं है क्या होता है इनकंसोलेबल, तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ना, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इनकंसोलेबल इज द इनकैपेबल ऑफ बिंग कंसोल्ड एट एनी कॉस्ट, उसको हम समझा ही नहीं सकते। एक केस था, जैसे पालघर मेडिकल ऑफिसर था कि उसकी बेटी, उसके ही जो उसका जो उनके घर का जो ड्राइवर था गाड़ी का, उसके बेटे के साथ भाग गई। इट इज अ रियल रियल केस, है ना, ड्राइवर के साथ या ड्राइवर के बेटे के साथ भाग गई, और उसके मदर का जो हाल था ना, मतलब लिटरली उसको एडमिट करना पड़ा कॉन्स्टेंटली, जैसे कॉन्स्टेंट वीपिंग वीपिंग वीपिंग। और अगर हम उसको मतलब वो स्टेट में अगर आप समझाने गए जाएंगे तो शी इज इन नॉट स्टेट टू लिसन एनीथिंग। सेकंड केस सर ने बताया था, प्रफुल्ल विजयकर सर ने, कि द लेडी वाज प्रेग्नेंट, और रात में जैसे गच्ची पे सोए थे तो ऐसे उसको एकदम से थॉट या ऐसे ड्रीम्स आया क्या, कि वह कोई तो ऐसे आके कुछ इंजुरी किया है ना। तो वो थॉट इतना फिक्स था कि कितना भी समझा रहे समझा रहे समझा रहे, वो थॉट ही नहीं जा रहा उसके माइंड से, कि वो इज इन द थॉट कि बस अभी बच्चे को कुछ होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। सो दैट टाइम सर हैज टेकन
डिल्यूजन, इमेजिनेशन, मिसफॉर्चून, इनकंसोलेबल और मिसफॉर्चून, कुछ तो भी होने वाला है बच्चे। तो दैट टाइम द वेराट्रम वाज प्रिस्क्राइब टू दैट लेडी एंड केस कम्स टू क्योर। सो इनकंसोलेबल, वेरी सिफिलिटिक कंडीशन एंड एनी कॉस्ट, ऑब्स्टिनेट जो होता है इट इज लाइक अ डिल्यूजन। ऑब्स्टिनेट जो रहते हैं उनको अगर समझाए, उनको अगर प्रूफ दिखाए है ना, तो काफी समझाने के बाद वो मान भी जाते हैं। पर यहाँ जो डिल्यूजन में होता है यहाँ पे, और दूसरा ये इनकंसोलेबल एट एनी कॉस्ट, ये कंसोल्ड ही नहीं होते, इनकैपेबल ऑफ बीइंग कंसोल्ड। बराबर है कि नहीं? इन द सेम मैनर इंडिफरेंस एंड स्ट्रेंथ, इट इज समटाइम्स इट इज सिमिलर रूपरिक बोल सकते हैं हम। इंडिफरेंस इज जहां पे फीलिंग है अभी कुछ भी फीलिंग नहीं, लॉस्ट फीलिंग, लॉस्ट इमोशन, लॉस्ट इंटरेस्ट और कंसर्न। सो डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, इट कुड बी अ साइकोसिफिलिटिक और सिफिलिटिक, इट इज नॉट साइकोसिस प्योरली। स्ट्रेंज फैमिली फ्रॉम, दिस इज सिफिलिटिक। स्ट्रेंज फ्रॉम आवर ओन चिल्ड्रेन, मतलब खुद खून है या फैमिली मेंबर है, स्ट्रेंज फ्रॉम इज फैमिली, बट बीइंग काइंड विद स्ट्रेंजर, तो लाइक दिस इज डिफरेंट। बट स्ट्रेंज फ्रॉम आवर ओन चिल्ड्रेन, मतलब इंडिफरेंस है अपने बच्चे से। अनलव अराउज हॉस्टिलिटी और इंडिफरेंस इन वेयर देर हैड बीन फॉर्मरली बीन लव, अफेक्शन और फ्रेंडलीनेस। तो दिस स्ट्रेंज इज द सिफिलिटिक रूब्रिक, इज द सिफिलिस, कम्स अंडर द सिफिलिस। सो इट्स अ, आई थिंक इट्स इनफ। लास्ट टू स्लाइड इज देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सर ने भी काफी अच्छे से समझाया है, एंड ये समझेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे सॉल्व होंगे। डिल्यूजन एंड डिलीरियम, मोस्ट ऑफ टाइम वी डोंट नो कि वेयर टू यूज द डिल्यूजन एंड वेयर टू यूज द डिलीरियम एंड व्हेन कम टू दिस। क्योंकि हम अगर देखेंगे डिल्यूजन एंड डिलीरियम इज द साइकेट्रिक टर्म, ये साइकेट्री में यूज होता है। तो डिल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीफ, तो हम कैसे लेंगे? तो सिजोफ्रेनिया अगर है तभी डिल्यूजन लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, होम्योपैथिकली हम इसको यूज करते हैं व्हेन देर इज अ फॉल्स परसेप्शन, समथिंग दैट इज फॉल्सली और डिल्यूसिवली बिलीव और प्रोपागेटेड, परसिस्टेंट फॉल्स बिलीव रिगार्डिंग द सेल्फ और पर्सन और ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सेल्फ दैट इज मेंटेन डिस्पाइट डिस्पाइट ये इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइट द इनडिस्पुटेबल एविडेंस टू द कॉन्ट्रारी। मतलब आप इसको कितना भी समझा लो, कितना भी एग्जाम्पल दे दो, एक्चुअल वो चीज को ये देखो, उसको रस्सी को सांप बोलना है वो सांप ही बोलेंगे, कितना भी बता रहे ये रस्सी है उसको डर रहेगा ये सांप ही। तो इट्स अ फॉल्स बिलीफ एंड बिलीफ इज नॉट, वी कैन नॉट कन्विंस द पेशेंट। तो ये साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी से ये डिल्यूजन का डेफिनेशन। सो देर आर लॉट ऑफ डिल्यूजन मेंशन मेंशन इन द रेपर्टरी एंड इफ वी यूज दैट प्रॉपरली देन वी कैन सॉल्व द मेनी मेनी केसेस, इवन द ग्रॉस पैथोलॉजिकल केसेस। नाउ डिल्यूजन मीन्स फॉल्स बिलीफ, सम टू पीपल्स डायग्नोस द डिल्यूजन एज अ प्योरली साइकोसिस, बट द डिल्यूजन इज द फॉल्स बिलीफ, फिक्स थॉट वेयर वो कन्विंस ही नहीं होता है। तो दिस इज नॉट अ प्योरली साइकोसिस, दिस इज अ साइकोसिफिलिटिक और सिफिलिटिक। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ डिल्यूजन, दैट मीन्स अगर पहला देखेंगे द डिल्यूजन ही इज गोइंग टू लॉस हिज फॉर्चून, उसको लगता है कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ मिसफॉर्चून थिंग होने वाला है ना लाइफ में, है ना। तो ये एंटीसिपेटरी डिल्यूजन है, एंटीसिपेटरी डिल्यूजन, दिस इज द साइकोटिक साइकोसिफिलिटिक डिल्यूजन। बट इन अगर दूसरा डिल्यूजन देखेंगे, डिल्यूजन ही हैज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, यहाँ पे कंसाइंस आ रहा है, मोरल्स आ रहा है। डिल्यूजन ही हैज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी एंड डिजर्व द रिप्रोच, दैट्स व्हाई रिप्रोचिंग सेल्फ रिप्रोच यू कैन सी, दिस इज द सिफिलिटिक डिल्यूजन। देयर आर लॉट ऑफ डिल्यूजन, तो डिल्यूजन कैन बी साइकोसिफिलिटिक और सिफिलिटिक।
एंड सच ए टाइप ऑफ डिल्यूजन, और डिल्यूजन इज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द साइकोसिफिलिटिक केसेस और इवन द साइकोटिक केसेस इफ इट इज प्रेजेंट. नॉट एवरी एवरी सिम्टम्स यू मे टर्न टू डिल्यूजन. सो डिल्यूजन आर इम्पोर्टेंट इन द साइकोसिफिलिटिक और साइकोटिक केसेस. इन कॉन्ट्रास्ट वॉट इज द डिलीरियम? डिलीरियम इज द ट्रांजियंट मेंटल. डिलीरियम इज What is delirium? Is it audible? Okay. It's present. Delirium is a, see the definition, try to understand this. Delirium is a transient mental disturbance that is affected by confusion, disorientation, disordered speech, restlessness, excitement, frenzied excitement. Frenzied or wild enthusiasm. It is a not in a condition. जैसे इस ये देखा ना, obstruction of mind, जहाँ पे वो रियलिटी में नहीं रहता है, आउट ऑफ रियलिटी चले जाता है, सराउंडिंग से उसका कनेक्शन टूट जाता है. इट इज लाइक डिलीरियम. मतलब वैसे ही डिलीरियम में क्या होता है, डिसोरिएंटेशन, फ्रेंजीड एक्साइटमेंट, आउट ऑफ कंट्रोल, इवन वी कैन कंसिडर इन द डिलीरियम. वाइल्ड एक्टिविटी. सो दैट डजेंट मीन्स डेलिरियम, जैसे साइकेट्री में देखा गया है कि डेलिरियम मतलब पागलपन, कि पागल जैसे बात करेंगे या एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो हम बोलेंगे डेलिरियम. सी द सिचुएशन इन द लाइफ वेयर द पेशेंट्स डिरेल, गोज आउट ऑफ, गेट डिसोरिएंटेड, शोज द फ्रेंजीड एक्साइटमेंट और enthusiasm, severe enthusiasm. A state in which the ideas of person are wild, irregular and unconnected or do not correspond with the truth or with the external object. That is called derailed, off the track. This is the purely syphilitic. इसमें कोई सोरा नहीं है, कोई साइकोसिस नहीं है, और इवन नॉट अ साइकोसिफिलिटिक. दिस इज प्योरली एंड फ्रैंक सिफिलिस. एंड You this type of delirium you must use or are very important in solving the sora syphilitic cases or syphilitic cases, frank syphilitic cases or sora syphilitic cases, delirium. Whatever. So delusion are important in considering the psychosyphilitic or psychotic cases, whereas the delirium are important in the treatment in the cases of sora syphilitic. In sora-syphilitic cases or syphilitic cases. Remember? Then this is the delirium and delusion, which is very important to understand and to apply. है ना? जैसे एक केस था मेरा लाइकेन प्लैनस का. दैट टाइम आई हैव टेकन डेलिरियम साइलेंट. लाइकेन प्लैनस का केस था डिलीरियम साइलेंट, इवन इन द क्रोनिक कंडीशन, सिफिलिटिक कंडीशन में लिया था. एंड एक केस था ओसीडी का, उसमें डिल्यूजन लिया था, जहां पे आर्सेनिक आया, वाज वंडरफुली ट्रीटेड विद द आर्सेनिक टेनेट. उसमें डिल्यूजन, कैसे डिल्यूजन, उसको डिल्यूजन कैसे वो सिम्टम्स को या लाइफ स्पेस को डिल्यूजन रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया, दैट इज यू हैव टू सी. मतलब वो देखना बहुत जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है कि कैसे परसेप्शन, पेशेंट के परसेप्शन को हम डिल्यूजन में कन्वर्ट करें या डिल्यूजनल रूब्रिक में कन्वर्ट करें. बराबर है कि नहीं? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ यू प्रॉपरली टेक इन टू द कंसिडरेशन सच अ काइंड ऑफ थिंग्स, देन आपके लिए ये कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं रहेगा, या हमारे लिए कोई केस डिफिकल्ट नहीं रहेगा. बराबर है, हमारे लिए कोई केस डिफिकल्ट नहीं रहेगा. राइट, सो आई एम हियर थ्रू दिस सेशन ऑफ
1.5 hours I am trying to explain the most of the things so that you can able to understand the miasm in depth. You can understand the miasmatic classi my you can classify the clinical condition, you can classify the mental rubric into the miasmatically you can classify it. Now you can see I have already explained कि अगर रूब्रिक्स एक एक रूब्रिक को समझो, जो जो प्रैक्टिशनर है, जो बिगिनर्स है, रूब्रिक को समझने की कोशिश करो, इसको एक्सप्लेन करो, उसका मीनिंग समझो, उसमें फिर उसके सब रूब्रिक समझने की कोशिश करो, उसको ये करो। अभी रूब्रिक हो सकता है कि एक रूब्रिक साइकोसिस हो मेन, पर उसमें अगर सब रूब्रिक्स दिया तो वो साइकोसिफिलिटिक हो सकता है, बराबर है कि नहीं? जैसे इंडस्ट्रियस हम साइकोसिस लेते हैं, पर उसमें अगर दूसरा इफेक्ट है तो साइकोसिफिलिटिक भी आएगा। तो हर हर रूब्रिक का मीनिंग आप समझने की कोशिश करो, उसको उसको ये करो कि वो रूब्रिक कौन से माइजम में आएगा। ये आप असाइनमेंट खुद का लो। अगेन अगेन यू कैन डू द वन असाइनमेंट, यू कैन डू द ट्राइजमेटिक माइजमेटिक एनालिसिस ऑफ रेमेडी। ट्राइजमेटिक रेमेडी मतलब हर रेमेडी में सोरा भी है, साइकोसिस भी है, सिफिलिस भी है। सिंपल एब्रोटेनम ले लीजिए, सोरा है इसमें, सोरा कम है इसमें, इरिटेबिलिटी है, सोरा कम है, बट सिफिलिटिक और साइकोसिस काफी है। सैडनेस, डिस्पोंडेंसी, डिप्रेशन, एंड सिफिलिटिक में क्रुएल्टी, ब्रुटैलिटी, क्रुएल्टी, इनह्यूमैनिटी, चिल्ड्रन इन देर आर डिल्यूजन, डिलीरियम्स आर देर। तो हम अगर इस तरह से हम स्टडी करेंगे तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाइल डीलिंग विद द पेशेंट। सो इन द नेक्स्ट देर इज अ असाइनमेंट, हम मल्टीमीडिया का ले सकते हैं नेक्स्ट सेशन से, डायरेक्ट केस ना लेते हुए। ट्राइमाइजमेटिक मल्टीमीडिया का वी कैन टेक, है ना? तो ट्राइमाइजमेटिकली मल्टीमीडिया के हर सिम्टम्स को माइजमेटिकली क्लासिफाई करने की कोशिश कीजिए, राइट? सो दैट यू कैन नो द सिफिलिस इन एवरी रेमेडी, यू कैन नो द सोरिक इन एवरी रेमेडी, यू कैन नो द साइकोटिक इन एवरी रेमेडी। मतलब लाइकोपोडियम है तो लाइकोपोडियम का सिफिलिटिक सिम्टम क्या है, साइकोटिक सिम्टम क्या है और सोरिक सिम्टम क्या है। फॉस्फोरस में सिफिलिटिक क्या है, साइकोटिक क्या है और सोरिक क्या है। देन द थिंग्स बिकम्स इजी और इजियर, राइट? सो आई होप दिस सेशन विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट ओवर हियर, द टाइम इज मोर, और यू कैन पोस्ट दिस टू द ग्रुप और टू द इंडिविजुअल माई व्हाट्सएप नंबर, राइट? थैंक यू वेरी मच।